हेलो 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 हेलो। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से आग्रह हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थोड़ा थोड़ा दूर दूर ही बैठेंगे। सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान में आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मोहनलाल सुखाड़िया एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ राजस्थान की राजनीति बल्कि भारत की राजनीति में भी अपना एक कद्दावर राजनेता के रूप में अपना वजूद रेखांकित किया था। 38 वर्ष की उम्र में वे मुख्यमंत्री बने और करीब 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे। आज उनकी स्मृति में हम लोग ये सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान का आयोजित कर रहे हैं, जो कि पिछले एक दशक से मोहनलाल सुखाड़िया जी की स्मृति में सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और मंच पर विराजित हमारे सभी अतिथियों का भी स्वागत करता हूँ। आज इस व्याख्यान को देने के लिए प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा हमारे बीच हैं, साथ ही हमारे मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ भी हमारे साथ हैं। मैं सभी अतिथियों से सबसे पहले स्वागत करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि वे सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर और मोहनलाल सुखाड़िया जी के चित्र पर भी माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। पिछले एक दशक से सुखाड़िया जी की स्मृति में ये व्याख्यानमाला आयोजित होती है। आज ही के दिन 2010 में तत्कालीन कुलपति माननीय प्रोफेसर आई वी त्रिवेदी जी के प्रयास से ये व्याख्यानमाला का आयोजन शुरू किया गया था, जो अनवरत पिछले एक दशक से जारी है। मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड रखा और राजस्थान को विकास पथ पर अग्रसर किया, उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। आज उनकी स्मृति में यह व्याख्यान, जिसका विषय वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय दर्शनों की समीक्षा, प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा जी हमारे साथ हैं। वे प्रोफेसर और संकाय अध्यक्ष रहे हैं जगत गुरु रमानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के। आज हम उनको सुनेंगे और इस विषय पर उनके विचारों से लाभान्वित होंगे। विश्वविद्यालय के तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत की परंपरा कुलगीत से है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हों और कुलगीत के पश्चात ताली न बजाएं। निष्काम भक्ति से है टूट बंधन।
चूँकि हम लोग कोरोना महामारी के दौर से गुज़र रहे हैं, तो पिछले करीब करीब 4 महीने से सारे सार्वजनिक अकादमिक कार्य स्थगित हैं। लेकिन ये जो व्याख्यान की परंपरा है ये टूटे नहीं, इसके लिए कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी ने इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए इसको दोनों रूप में करने की अनुमति दी। हम लोग चूँकि सीमित रूप में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हमारे यूट्यूब चैनल MLSU इंटरनेट सेंटर के माध्यम से तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। अब स्वागत के क्रम में मैं सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि MPUT के माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी राठौर के स्वागत के लिए कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी से आग्रह करूँगा कि वे माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं कुलपति जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा जी का भी स्वागत अभिनंदन करें। छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर PM यादव से आग्रह है कि वे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच माननीय मोहनलाल सुखड़िया जी के परिवार से उनकी पुत्रवधू श्रीमती नीलिमा सुखड़िया जी पधारी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और कुलपति जी से आग्रह करता हूं कि वे उनका भी
पुष्पार्पण का अभिनंदन करें। नीलिमा जी का बहुत बहुत स्वागत इस प्रतिवर्ष होने वाले सुखड़िया स्मृति व्याख्यान में। और आज जो व्याख्यान है वो वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय दर्शनों की समीक्षा है। ये व्याख्यान प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा प्रस्तुत करेंगे। हर वर्ष जो आयोजन होता है ये आयोजन छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय की ओर से किया जाता है। तो ये कार्यक्रम क्या है, इसकी रूपरेखा, ये तमाम चीज़ बताने के लिए और आप सभी लोगों के लिए स्वागत के लिए मैं छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर पी एम यादव से आग्रह करूँगा कि पधारें और स्वागत उद्बोधन दें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी राठौर साहब, कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ प्रोफेसर अमेरिका सिंह, कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का, जिन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में भी हमको साहस दिया और उत्साहवर्धन किया कि कैसे भी करके प्रोग्राम मुझे करना है, चाहे ऑनलाइन करें या जो भी करें, लेकिन सर की मैं बात को स्वीकार करते, मतलब निवेदन मैंने जो किया था सर को, उन्होंने उनको स्वीकार किया, उसके आधार पर मैंने ऑनलाइन इस प्रोग्राम को कराने की कोशिश की है। मैं स्वागत करता हूँ प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा साहब का, जो इन कठिन परिस्थितियों में भी कोविड के 19 में आए और हमारे बीच में आकर इस व्याख्यान के लिए तैयारी और व्याख्यान देने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। मैं स्वागत करता हूँ सभी अधिष्ठाताओं का, मैं स्वागत करता हूँ सभी डीन डायरेक्टर्स का, मैं स्वागत करता हूँ सभी विद्वान जनों का जो सभागार में बैठे हैं। मैं जो कि मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान की जो उनके आदर्श है उनको सुन करके आगे समाज में और इस विश्वविद्यालय में प्रेषित करें, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी लाभ मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर पूर्णमल जी यादव। और अब मैं बिना किसी औपचारिकता के आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं मुख्य वक्ता प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। तब से पहले मैं प्रोफेसर शर्मा के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा जगतगुरु रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और पूर्व संकाय अध्यक्ष रहे हैं। आप दो विषयों में स्नातकोत्तर और शिक्षा की एमएड उपाधि से अलंकृत हैं। शिक्षा शास्त्र विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। आपने राजस्थान के प्रसिद्ध महिला विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ में लगभग 30 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया है। उसके बाद जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष और संकाय अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्ति प्राप्त की है। आपको लगभग 35 सालों तक स्नातकोत्तर कक्षाओं के शिक्षण और लगभग 25 वर्षों तक पीएचडी के शोध करवाने का अनुभव प्राप्त है। संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा आपको शिक्षा शिरोमणि और राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षक के रूप में आपको अलंकृत किया जा चुका है। आज वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय दर्शनों की समीक्षा विषय पर हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आपके विचारों को सुनने के लिए हम उद्यत हैं, प्रस्तुत हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर शर्मा। सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरा जहाँ तक अनुमान है सबसे लंबे समय तक जिन्होंने अपना यहाँ योगदान किया,
इस राजस्थान के प्रारंभिक उन वर्षों में जब किसका निर्माण नींव की तरह चल रहा था उसमें उनका योगदान रहा। ऐसे सुखाड़िया जी की स्मृति में जो ये व्याख्यान हो रहा है, उस सभा में इस सभा के आज के अध्यक्ष, इस विश्वविद्यालय के यशस्वी माननीय कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह साहब, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राठौर साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक इस विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकाय के डीन प्रोफेसर यादव साहब, भिन्न भिन्न संकायों के अधिष्ठाता, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, सुखाड़िया जी के परिवार से पधारे उनके परिवारगण, उनके सदस्यगण, मीडियाकर्मी और इस सभागार में उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले तो मैं कुलपति जी का और प्रोफेसर यादव साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आहूत किया। किसी को भी बुलाया जा सकता था पर आपका स्नेह रहा, मुझे आमंत्रित किया, मैं इसके लिए अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। जैसा कि मैंने निवेदन किया, सुखाड़िया जी का राजस्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैं सुखाड़िया जी के नाम के साथ जुड़े मोहन शब्द की जब व्याख्या कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि देश में मोहन नाम का बड़ा महत्व है। पहले राजा राम मोहन राय ने समाज के सुधार के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया। मदन मोहन मालवीय, जिसमें मोहन है, उनका बड़ा योगदान रहा। महात्मा गांधी, वो भी मोहनदास करमचंद गांधी, और राजस्थान के निर्माण में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे मोहनलाल सुखाड़िया जी को हम आज याद कर रहे हैं। जहाँ तक सुखाड़िया जी का संबंध है, उदयपुर से है, इस क्रम में मैं उदयपुर को भी बहुत उच्च श्रेणी में विचार करता हूँ। भारत के निर्माण में, भारत की शिक्षा नीति में उदयपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम साहब रहे, लेकिन दूसरे शिक्षा मंत्री, मेरी जहाँ तक जानकारी है, कालूलाल जी श्रीमाली उदयपुर के ही थे। BHU के आप वाइस चांसलर भी रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अनिल बोर्डिया साहब का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। सुखाड़िया साहब ने तो राजस्थान के बनाने में ही बहुत बड़ा योगदान किया है। और भारत की जो शिक्षा नीति बनी है, अभी जो परसों प्रस्तुत हुई है, उससे पहले जो शिक्षा नीतियाँ बनी हैं, पहली जो राधाकृष्णन जी की बनाई, उसके बाद में मुदालिया साहब ने बनाई, और तीसरी वाली जो भारत का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जिसमें भारत की शिक्षा की रूपरेखा बनाई गई, उसके जो अध्यक्ष रहे, मेरी जहाँ तक जानकारी है, दौलत सिंह जी कोठारी साहब भी इस उदयपुर के रहे हैं। तो उदयपुर का भारत की शिक्षा में बड़ा योगदान है। आज मैं उदयपुर को भी इस संदर्भ में याद करता हूँ। अभी जैसा कि यादव साहब ने भी कहा और संचालक महोदय ने भी कहा, आज का जो व्याख्यान है, वैश्विक संदर्भ में जो वर्तमान चल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जो दर्शन है उनकी समीक्षा। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहना चाहूँगा, परंतु फिर भी कुछ बात तो मैं निवेदन करना ही चाहूँगा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि हमने मनुष्य जीवन ग्रहण किया है। मनुष्य जीवन ग्रहण किया है तो इस जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का जीवन हमने प्राप्त किया है, जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं निवेदन करूं, जीवन का लक्ष्य है आनंद प्राप्ति। आनंद, अब आनंद प्राप्ति में दो संदर्भ बहुत विचार के हैं। हम आत्मिक आनंद चाहते हैं, हम आर्थिक आनंद चाहते हैं। यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। आर्थिक आनंद चाहते हैं तो हम भौतिक सुख चाहते हैं, हम आत्मिक सुख चाहते हैं तो हम आत्मानुभूति की बात करेंगे, आत्माभिव्यक्ति की बात करेंगे, आत्मतत्व की बात करेंगे, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, दूसरे संदर्भ क्या है, इन सब की बात करेंगे।
पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो है उसमें आज आत्मिक आनंद की बात कोई नहीं चाहता। मैं इस संदर्भ में एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। इस विश्वविद्यालय का जो मोनोग्राम है, शायद यहाँ लगा भी है, उसमें ऊपर लिखा है विद्या विंदते अमृतम। विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, विद्या से अमरता प्राप्त होती है। अमरता का अभिप्राय है मोक्ष प्राप्ति, और शिक्षा का जो ध्येय है वह भी है सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा मोक्ष प्रदान करती है। लेकिन मैं भारत के ही नहीं, विश्व के सारे विश्वविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों से एक प्रश्न करूं कि क्या आप ये जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, ये ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, जो जो कुछ भी अर्जन कर रहे हैं, वह मोक्ष के लिए कर रहे हैं? मोक्ष चाहिए? सब कहेंगे नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए, हम अर्थ चाहते हैं। और अर्थ भी नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल है 95% का उत्तर आएगा हम नौकरी चाहते। ये हो क्या गया? शिक्षा का जो उद्देश्य रहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो जीवन का लक्ष्य है, पुरुषार्थ चतुष्टय की जो बात हम करते हैं, हमारे जीवन का ध्येय क्या है? हम धर्म, धर्म का अभिप्राय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ। धर्म का अभिप्राय है मानव धर्म, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। हम दूसरे के लिए क्या करते हैं? पहली बात यह है कि हम धन जोड़ रहे हैं, धर्म की कामना नहीं कर रहे, क्योंकि हमने दूसरे नंबर का जो हमारा पुरुषार्थ था अर्थ, उसको पहला बना दिया। धर्म अर्थ, फिर उसके बाद काम। काम का अभिप्राय काम भी है, और काम का अभिप्राय वर्क भी है, श्रम भी है। हमने श्रम को नीचे कर दिया, और हमने उस धर्म को कट्टर धार्मिकता में ला दिया, और मोक्ष की बात तो हम आज कर ही नहीं रहे। तो जब नहीं कर रहे हैं, तब हम जब सोचते हैं, तो आज का वैश्विक परिप्रेक्ष्य देखिए। मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज के विद्यार्थी से जब मैं बात करता हूँ, अभिभावक से बात करता हूँ, मैं शिक्षा का विद्यार्थी रहा हूँ और अब भी हूँ, मैं सोचता हूँ कभी भी विद्यार्थी से पूछो, अभिभावक से पूछो कि तुम शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हो, तो एक ही बात उसके सामने है कि मुझे 99 और 90% से अधिक अंक चाहिए, मुझे 100% अंक चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि यदि हमने एक श्लोक पढ़ा है, हमने कबीर को दोहा पढ़ा है, विज्ञान के सारे विद्यार्थियों ने भी पढ़ा होगा, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। आपका अभिप्राय है ईश्वर, ईश्वर कहाँ रहता है? सत्य में ईश्वर कह रहता है। गांधी जी ने भी ईश्वर को ही सत्य और सत्य को ही ईश्वर कहा। उस सत्य की बात हमने उसको विद्यार्थी को पढ़ाई, कक्षा 5 में पढ़ाई, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। और संस्कृत में श्लोक पढ़ाया, सत्यम प्रियात न प्रियात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलना चाहिए। और विद्यार्थी को जब हम ये देते हैं कि 10 अंक का है, इसका अर्थ अभिव्यक्त कीजिए, विद्यार्थी लिखता है सत्य से बड़ा कोई महत्व नहीं है, सत्य ईश्वर है, इसमें ये दोहा है कबीरदास जी ने लिखा है, इसमें ये छंद है, ये फलानी बात, अब वो उसकी सारी विशेषता लिखता है, विद्यार्थी 10 में से 10 नंबर लाता है। लेकिन इस श्लोक को पढ़ने के बाद, इस दोहे को पढ़ने के बाद में, क्या वह सत्य बोलना सीख गया क्या? क्योंकि इसका ध्येय सत्य बोलना सिखाना रहा तो है भी। जब विद्यार्थी से पूछो कि हरिश्चंद्र की कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, शिक्षा तो मिलती है, लेकिन शिक्षा के बाद में क्या उसमें वह शिक्षा आई क्या, इस बात का मूल्यांकन न तो हमारे पास है और न शिक्षा में हम कर पाते हैं। जो उसने लिख दिया, उसने सब कुछ लिख दिया, लिखने के बाद में चाहे वो उसका व्यवहार कैसा भी रहा। तो शिक्षा का उद्देश्य आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो हमारा मूल था, जो भारतीय संस्कृति का मूल था, भारतीय दर्शनों का मूल था, हमारे जो भारतीय दर्शन हैं उनमें जब मैं चर्चा करना चाहता हूँ, तो हम तो उन वैदिक परंपराओं की बात करते हैं, गुरु परंपरा की बात करते हैं। उस वैदिक परंपरा में यहाँ के हम प्राचीन दर्शनों की बात करें, चाहे हम वेदांत दर्शन की बात करें, चाहे हम सांख्य दर्शन की बात करें, चाहे हम योग दर्शन की बात करें, चाहे हम मीमांसा दर्शन की बात करें, चाहे वैशेषिक दर्शन की बात करें, ये सब दुख से शुरू होते हैं। हम दुख से निवृत्ति चाहते हैं। कौन से दुख से? सांसारिक दुख से हम निवृत्ति चाहते हैं और आत्मिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सारे दर्शन ये कह रहे हैं। और भारतीय दर्शनों में दो बड़े दर्शनों का भी योगदान है, उनको भी मैं इस समय याद करना चाहूँगा। एक है बौद्ध दर्शन और दूसरा है जैन दर्शन। जैन दर्शन को आप देखिए, महावीर स्वामी ने, ऋषभदेव ने जब इसको चलाया, जब प्रारंभ किया, तो उन्होंने भी ये कहा, ये संसार तो असार है, इस संसार में हम रहते तो हैं लेकिन हमको कैसे रहना चाहिए ये हमको सीखना है। अब उसमें हम भौतिकता की दौड़ में आ गए, वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा का उद्देश्य बदल गया, जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही है, विज्ञान की उन्नति को मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उससे कुछ हमको आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन मैं अभी निवेदन करूँगा कि विज्ञान और तकनीकी की उन्नति ने 0 और 1 के आधार पर
इस संसार में एक ऐसा विकास कर दिया जिसमें हम भौतिकता की तरफ मुड़ गए और जो आध्यात्मिकता थी, जो हमारा जीवन का लक्ष्य था, जो हमारे दर्शनों की बात थी, वो इधर उधर चली गई। तो कहने का अभिप्राय, आज के विद्यार्थी से हम दर्शन की बात करें तो वो कहेगा दर्शन होता क्या है। मैं सामान्य अर्थों में यदि बात करूं तो दर्शन का अभिप्राय देखना है, लेकिन देखने में एक तो देखना है भौतिकवादी दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जिसमें हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग के बाद निष्कर्ष निकालते हैं और फिर कुछ निर्णय दे देते हैं। लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर विज्ञान नहीं दे पाता है। उन कौन से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता? मैं कौन हूं? मैं गोपीनाथ शर्मा हूं। यदि मेरे पिता ने मेरे जन्म के समय गोपीनाथ शर्मा के नाम पर मुरारी लाल रख दिया जाता तो क्या मैं गोपीनाथ शर्मा होता? मैं तो मुरारी लाल हो जाता। फिर पत्नी कहती है ये मेरा पति है, बेटा कहता है ये पिता है, सत्य तो बहुत नहीं हो सकते, तो ये गोपीनाथ शर्मा है क्या? तो गोपीनाथ शर्मा क्या है? शरीर गोपीनाथ शर्मा है जिसके कारण चल रहा है, और वो कारण क्या है? आत्मा। आत्मा तो गोपीनाथ शर्मा नहीं है, ये शरीर को नाम दे दिया, जब तक मैं हूं तब तक मेरा नाम है गोपीनाथ शर्मा, और उसके बाद में मैं जब याद करा जाऊंगा तो मैंने जो कर्म किए हैं, गीता यही कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उस गीता में जो बात कही गई है उसको तो हम भूलते जा रहे हैं। हमारा ज्ञान शास्त्र कहाँ चला गया? कर्म शास्त्र कहाँ चला गया? भक्ति का अभिप्राय वो वाली भक्ति नहीं जो ईश्वर की भक्ति की मैं बात कह रहा हूँ, वो भक्ति का है समर्पण। क्या हमने समर्पण की बात की? जब मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, वो समर्पण क्या कि हम स्व की बात सोच रहे हैं, मैं इतना पैसा जोड़ूँ, मैं इतना कर जाऊँ, मैं अपने पुत्रों के लिए करूँ, पौत्रों के लिए करूँ, सात पीढ़ियों के लिए कर दूँ। मैं कहता हूँ भाई कि क्या सात पीढ़ियों के लिए जो आप आर्थिक समृद्धि कर देंगे उसके बाद में आपका पुत्र रोटी को अन्न की जगह सोने की रोटी खा सकता है क्या? सोने की रोटी तो नहीं खाएगा। तो बस इतना ही अंतर आएगा, कोई आदमी पैदल चलेगा, कोई साइकिल से चलेगा, कोई स्कूटर से चलेगा, कोई बहुत अच्छी कार में चलेगा, कोई और बहुत अच्छी कार में चलेगा, लेकिन चलना सबको, पहुंचना तो बंबई है। यदि किसी को उदयपुर आना है तब हमारे दर्शन क्या कहते हैं? उदयपुर आना है अहमदाबाद से तो हम उदयपुर में सीधे सीधे बस स्टैंड से और रेलवे स्टेशन से आकर के सूरज फॉल से और यहाँ आ सकते हैं, लेकिन हम बाईपास होकर के भी आ सकते हैं। तो ये दर्शन क्या है? ये मार्ग है, इस मार्ग से, लेकिन पहुंचना कहाँ है? हमको आत्मिक तत्व पर पहुंचना है, हमको इस आत्मा को जो कि ईश्वर का अंश है उसको, ईश्वर के अंश को हमको उस परम तत्व में मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? कैसे हम समझ सकते हैं इसको कि एक समुद्र है, समुद्र में से हमने एक लोटा जल लिया तो उस जल में जो एक लोटा है क्या उसके जल के गुण बदल गए? क्या गुण तो वही रहे, आकार बदल गया। तो ये जो आत्म तत्व है वो चींटी में है, हाथी में है, मेरे में है, सिंह में है, दूसरे में है, आप में है, इन सब में है। तो आत्मा तो सबकी एक हो गई, आप और मैं शरीर में अलग हो गए, फिर अलग अलग क्यों हुए? ज्योतिष के हिसाब से कभी कोई हम गणना करते हैं तो एक ही समय में, एक ही क्षण में उत्पन्न हुए दो व्यक्ति दो प्रकार का भाग्य लेकर के क्यों आते हैं? यहां पर हमको सोचना पड़ जाता है, एक ही समय है, एक ही स्थान है, सब कुछ एक जैसा है, फिर इन दोनों का भाग्य कैसे हुआ? तो इसका कारण क्या हो सकता है कि पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति ही निश्चित रूप से पुनर्जन्म में विश्वास करती है, ईश्वर में आस्था रखती है, ईश्वर के प्रति समर्पण की भाव करती है। उसको तो हम भूलते जा रहे हैं, हम आर्थिक पक्ष को समृद्ध करते जा रहे हैं। तो हम शिक्षा के बारे में सोचें, हमारी जो आज की समस्याएं हैं, अभी जो कोविड की समस्या है उसने हमको एक पास में ला दिया। हम कह रहे हैं कि चीन इसका कोई निदान करेगा, कि अमेरिका करेगा, कि भारत करेगा, कि जर्मनी करेगा, कि फ्रांस करेगा। अरे कोई भी करे, लाभ तो सबको मिलेगा, लेकिन इस लाभ के लिए तो हम सब तत्पर हो रहे हैं कि इसका इलाज मिल जाए और हम सब हो जाए। लेकिन क्या हम मन से एक हो रहे हैं? मन से एक नहीं हो रहे, क्योंकि अमेरिका कह रहा है, चीन तो ये कर रहा है, हम ये कह रहे हैं, वो देश ये कर रहा है, वो देश ये कह रहा है, बुद्ध तो हमें दिखने में तो दिख रहे, चाह तो रहे हैं हम ये कि हम एक हो जाएं, लेकिन हम वास्तव में हैं क्या? सब अलग अलग हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि जाति और धर्म की जब हम बात करते हैं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए कदाचित, ऐसा समझ लें एक मिनट के लिए, और मेरा मैं हो सकता है कि निम्न जाति से किसी प्रकार से ये सोचता हूँ कि इससे मुझे अलग रहना चाहिए, मुझे मुसलमानों से संबंध नहीं रखना चाहिए। लेकिन सोच करके देखिए, यदि मेरा एक्सीडेंट हो जाए और इतना खून निकल जाए कि मुझे खून की आवश्यकता हो और तत्काल खून की आवश्यकता है, और वो ऐसे व्यक्ति का है जिससे कि मैं वास्तव में प्रेम नहीं करता हूं, तो मैं खून लेऊंगा या ये कहूंगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए? उस समय खून लेके नहीं गए तो तैयार हो जाऊंगा। तो इस मानवीय धर्म को, इस आत्म तत्व को, इस आत्मिक तत्व को, इस आत्मानुभूति को, इस आत्मा अभिव्यक्ति को हमको गहराई से सोचना है कि हम
स्व के लिए नहीं, हम दूसरे के लिए क्या करें। क्योंकि व्यास ने जो 18 पुराण लिखे हैं उसमें एक बात कही है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। जीवन का लक्ष्य आत्मिक सुधार है, भौतिक सुधार। पर प्रश्न ये है कि क्या हम ये कहें कि भौतिक नहीं होना चाहिए, भौतिक होना चाहिए। क्योंकि हम इस प्रकाश का अनुभव तब करेंगे, कब करेंगे, जबकि अंधेरा हमारे सामने होगा। तो पहले हमको अंधेरे का ज्ञान होना चाहिए, हमको भौतिक सुख होना चाहिए, भौतिक सुख, लेकिन उसमें लिप्त हो करके उसी में लिप्त हो जाएं। ये बात गलत है कि सब कुछ हम भौतिक 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 भौतिक, तो फिर आध्यात्मिक तो क्या रहेगा, फिर आत्मिक उन्नति कैसे होगी। हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है कि ब्रह्मचर्य है, आश्रम, फिर उसके बाद में गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, हमारे आश्रम व्यवस्था तो फिर टूट जाएगी, विश्रृंखल हो जाएगी। तो हमारे इन शास्त्रों ने जो कुछ कहा, इन दर्शनों ने जो कुछ कहा, हमारे जो बौद्ध दर्शन है वो दुखवादी दर्शन है, वो कहता ही है दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर किया जा सकता है, दुख दूर करने का उपाय है, और इस उपाय को हम ढूंढ रहे हैं। तो ये दुख उन्होंने भौतिकता अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़ा, राहुल को छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा ये संसार तो अस्वर है नस्वर है। और कैसा है अस्वर और नस्वर कि उसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, आपको सब घटना इसकी पता है, और वो रात्रि में छोड़ करके चले गए और उस सुख को प्राप्त किया जिस सुख के लिए उन्होंने किया। आज मैं ये आपसे ये तो कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये ऐसा कहना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में हम साधु संन्यासी बनना चाहते हैं? नहीं, हम ही जीवन में रहें। कोई भी दर्शन पहले इस आत्मिक सुख के लिए प्राप्त करने के लिए आर्थिक सुख और इस सांसारिक सुख की बात करता है, इस भौतिक सुख की बात प्राप्त करता है। लेकिन इसमें जो सांख्य दर्शन की जो विशेष बात है वो यहाँ विचारणीय है कि सांख्य दर्शन क्या कहता है, हम पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पंच कर्मेंद्रियाँ हैं। हम कर्मेंद्रियों की, हमारी आंखें कहती है अच्छा वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें, चलो देखने चलते हैं। हमारी जिह्वा कहती है आज ये हो जाना चाहिए, कोविड ने तो हमको सीमित कर दिया, हम उतना नहीं खा पा रहे हैं, उतना स्वादिष्ट नहीं भोजन कर पा रहे हैं, लेकिन आज कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं वो अभी तात्कालिक है, लेकिन हम जिह्वा के वशीभूत होकर के स्वादिष्ट पदार्थ भोजन करना चाहते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो हमको मित भूख कम खाओ और कितना खाओ। तो दर्शन यहाँ से शुरू होता है, क्या मैं, क्या मैं, कौन मैं, कैसे मैं, किसको मैं, किसको क्या करूं, मैं कितना करूं, कब बोलूं, कैसे बोलूं, कितना बोलूं, कैसे बोलना चाहिए। क्या हम इस प्रश्नों पर, इन प्रश्नों पर यदि विचार करने लग जाएं तो हम वास्तव में दर्शन की बात करेंगे। इसलिए दर्शनों को दो भागों में बांटा गया, एक तो है भौतिक जिसको कि हमने लोकायतवादी कह दिया, और उस लोकायतवादी में आप सबने सुना होगा कि एक चार वाक हुए हैं, ऋणम कृत्वा गतम् पिबे, खूब ऋण करो, आनंद मौज करो। दूसरा यह है कि नहीं, हमको जितना होना चाहिए उतना ही लेना है, उतने का ही अभिव्यक्ति करनी है, उतने से ही अपने को जीवन चलाना है, और हम इस संसार में सब रहें। क्योंकि धर्म का अभिप्राय वो कट्टर धार्मिकता नहीं, हमारा कर्म क्या है, पिता के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है, गुरु के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है, पड़ोसी के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है, यात्री के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है, हम इन कर्तव्यों को तो भूलते जा रहे हैं। और आप देखिए आज व्यक्ति अपने परिवार वालों से जब सामने आता है बात नहीं करता, लेकिन YouTube पर और Facebook पर सबसे पता नहीं कितने फ्रेंड्स बना रहा है। ये हो क्या रहा है, हम अपने आत्मीय से तो संबंध अच्छा नहीं रख पा रहे हैं, जो हम वास्तव में हमारे परिवार के जन हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं और सब हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, और इसके लिए हम कोई प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं। तो हम श्रेष्ठतर जीवन तो चाहते हैं, तो उसमें आत्मिक आनंद वाला श्रेष्ठतर जीवन चाहते हैं, आत्मानुभूति वाला चाहते हैं, आत्माभिव्यक्ति वाला चाहते हैं। तो यहाँ मैं दो तीन बातें निवेदन करना चाहूँगा। इसमें मनुष्य को सोचना क्या है कि सत्य क्या है, सत्य के बारे में गांधी जी ने भी कहा, और सत्य के बारे में गांधी जी ने जो अपनी बात कही उसके बारे में भी मैं बात कहूँ कि गांधी जी ने 7 पाप बताए थे। वो 7 पाप आज के संदर्भ में बहुत विचारणीय हैं। 22 अक्टूबर 1925 को हरिजन पत्रिका में उन्होंने लिखा था कि मनुष्य यदि इन 7 पापों से बच करके सत्य की तरफ बढ़ जाए तो ये जीवन सुखमय और आनंदमय बन सकता है। उसमें भौतिक आनंद भी हो जाएगा, उसमें आत्मिक आनंद भी हो जाएगा। पहला है सिद्धांतहीन राजनीति। राजनीति को हम देखें, गांधी जी ने 1925 में, आज से लगभग 95 वर्ष पहले ये बात कही थी हरिजन पत्रिका में कि सिद्धांतहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में सिद्धांत का प्रयोग किया जाए। मैं इसका विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा और आप सब जान रहे हैं कि उसको हमको देखना चाहिए। श्रमहीन संपत्ति, संपत्ति हम श्रम से प्राप्त करें,
अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के हेडमास्टर को एक पत्र लिखा था, आप सब लोगों ने उसको पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने कहा, मैं अपने बच्चे को परिश्रमी बनाना चाहता हूँ, तुम इसको जब पढ़ाओ तो ये मत ध्यान देना कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति का पुत्र है, तुम इसको सामान्य जन का पुत्र मान करके पढ़ाना और उसको बताना कि रास्ते में पड़े हुए 5 रुपये जो बिना मेहनत के मिले हैं, मेहनत के 1 रुपये से बहुत निकृष्ट है। हमको 1 रुपया यदि मेहनत का है और बिना मेहनत का यदि 5 रुपया है तो 5 रुपया बेकार त्याग देना चाहिए, हमको मेहनत की कमाई पर ही निर्भर करना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि श्रमहीन संपत्ति अच्छी नहीं है। दूसरा, तीसरा है विवेकहीन भोगविलास। हम भोगविलास करें, अच्छे से अच्छा करें, लेकिन क्या करें, कैसे करें, कितना करें, ये तो हम सोच ही नहीं रहे। खाने में हमारा संयम नहीं, सुनने में हमारा संयम नहीं, देखने में हमारा संयम नहीं, बोलने में हमारा संयम नहीं, हम इंद्रियों के दास होते चले जा रहे हैं। उस समय उन्होंने कहा चरित्रहीन शिक्षा। शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शिक्षा का अभिप्राय ये ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान देना है लेकिन ज्ञान में विवेक पैदा होना चाहिए। हम उस शिक्षा को कैसे, बच्चे को ये बताया जाए कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, हम कहीं से थोड़ी सी गलती कर, मैं बहुत साधारण सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आप तो सब बहुत विद्वान हैं, कि हम गणित में कभी कभी, मैं जब पढ़ा करता था तो कक्षा 7 में ऐसे प्रश्न हुआ करते थे जिस काम को 5 आदमी 6 दिन में करते हैं उसको 10 महिलाएं 8 दिन में करती हैं, तो इतनी महिलाएं कितने दिन में करेंगी। इसका मतलब है कि ये देते ही लड़के के या विद्यार्थी के मन में ये आया कि महिलाएं पुरुषों से कुछ हीन है। अरे भाई, ऐसा प्रश्न बनाते क्यों हैं, आपने वहां से शुरुआत कर दी। तो ये जो चरित्र निर्माण की बात है, क्या हम जिस चरित्र निर्माण के लिए आज चिंतित हैं शिक्षा में, गांधी जी ने तो उस समय चिंता व्यक्त कर दी थी, और आज से 30 वर्ष पहले जो आप में से पढ़े लिखे लोग हैं जो आपने स्कूली शिक्षा किए होंगे, और मेरे जमाने की बात करूं तो मैं 1964 में मैंने 10वीं की थी, उस समय की बात करें तो अतिरिक्त पढ़ाने के लिए कोई चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं। मैं कोई अपराध यदि समाज में करता था और पड़ोसी होकर के निकलता था, कोई बुजुर्ग पड़ोसी, तो मैं ये देखता था अरे बुजुर्ग पड़ोसी है, इससे बच करके चलो, और उस पड़ोसी को भी टोकने का अधिकार था। आज तो घर का आदमी बाबा भी अपने पोते को ये नहीं कह रहा पा रहा है किन्हीं किन्हीं कारणों से कि भाई तुम अपने बच्चे से कि भाई तुम इसको ये गलत कर रहा है, और पोते से भी नहीं कह पा रहा, ये हो क्या गया। तो शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण, ज्ञान होना चाहिए लेकिन ज्ञान कैसा, विवेकपूर्ण, जिसमें चरित्र हो। उन्होंने कहा नैतिकता विहीन व्यापार, व्यापार में नैतिकता, इतने प्रतिशत लाभ, अब कितने प्रतिशत लाभ इसकी आप समीक्षा करें। एक है मानवताहीन विज्ञान, विज्ञान में मानवता होनी चाहिए। हम जब ये कह रहे हैं हम परमाणु बम सिखा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि परमाणु बम सिखाया तो परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर डाला गया, कितने लाख लोग मर गए। ये परमाणु बम इसलिए बनाया था क्या? परमाणु बम इसलिए नहीं बनाया गया, परमाणु बम इसलिए बनाया गया कि समुद्र में हम 2-3 किलोमीटर भीतर ले जा करके परमाणु बम का विस्फोट करवाएं और समुद्र का पानी उबलने लगे, बादल बने और उसको जैसलमेर में लाया जाए और जैसलमेर में पानी वर्षा करके और यहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाया जाए। या जैसलमेर अनुपजाऊ है, वहाँ पर 1 किलोमीटर का गड्ढा खोद करके परमाणु बम को डाला जाए, नीचे रख दिया जाए और फिर उसके बाद में उसको विस्फोट कराया जाए, जो नीचे की उपजाऊ मिट्टी है वो ऊपर आ जाए और जो ऊपर की अनुपजाऊ भूमि है, मिट्टी है, वो नीचे चली। ये होना चाहिए हमारी शिक्षा का ध्येय। हमने उसका क्या कर दिया कि हम उसको उस तरीके से, तो विज्ञान को हम कैसे प्रयोग करें तो आप सोच करके देख सकते हैं। और उसके बाद में त्यागहीन पूजा, हम पूजा, पूजा का मतलब है समर्पण, चाहे वो ईश्वर के लिए है और दूसरा मनुष्य के लिए भी, क्योंकि मनुष्य भी ईश्वर है। मनुष्य चूंकि इसमें आत्मा है, जब मैं किसी को कहता हूँ नमस्ते, आप में से जो संस्कृत के विद्वान है और जो संस्कृत के नहीं भी हैं तो संस्कृत इतनी तो जानते हैं, इसमें शब्द है नमः ते, ते माने उनको नमस्कार है। किसको? गोपीनाथ शर्मा को नमस्कार नहीं है, ये तो मिट्टी है, मिट्टी को नमस्कार नहीं है। ते तुम्हारे अंदर जो है आत्मिक तत्व, जो परमात्मा का अंश है, उनको नमस्कार है, क्योंकि ते बहुवचन में सह तऊ ते, बहुवचन में गांधी जी था नहीं कहते, गांधी जी थे कहते, तो बहुवचन में जब हमने प्रयोग किया तो आत्मा को हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, तो नमः ते उनको नमस्कार है जिसके कारण तुम इस समय यहाँ मेज पर बोल रहे हो। तब हम दर्शन की जब बात करते हैं, तब कुछ दर्शनों की और मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि इन 66 दर्शनों से, जो जैन दर्शन से, जो हमारे इसके बौद्ध दर्शन से, और उसके बाद में भी यदि हम भारतीय दर्शनों में कालांतर के दर्शनों की बात करें, तो दर्शन का अभिप्राय सामान्य अर्थों में यदि विचार भी ले लूँ
तो बहुत बड़ा और बहुत महत्व का दर्शन है, और वो गुरु ग्रंथ साहब का सिखों का दर्शन है। वो तो सिख की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं कि हम शिष्य हैं, और शिष्य किसके? शिष्य उस परमात्मा के। वो अपने को कोई बड़ा मान ही नहीं रहा है। क्या हम अपने अस्तित्व को भूलना चाहते? नहीं, नहीं भूलना चाहते। अभी उद्घोषक महोदय ने और ये कहा कि भाई अमुक विश्वविद्यालय के, अरे हैं क्या? मैं नहीं हो तो कोई दूसरा भी होगा, मैं नहीं करूँगा तो कोई दूसरा करेगा। क्या सृष्टि चलेगी? नहीं, मेरे बिना भी ये सृष्टि चलेगी, मेरे बिना भी परिवार चलेगा, लेकिन मेरे परिवार के जन और सब लोग व्यक्ति से संबंध इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उससे आर्थिक लाभ है। और जिस समय वो व्यक्ति नहीं रहा तो शरीर तो रहा, क्या चीज नहीं रही? वो जो शरीर नहीं रहा वो आत्मिक तत्व था। वो अपने साथ तीन प्रकार के शरीर ले गया, सूक्ष्म शरीर ले गया, वो कारण शरीर ले गया, वो निश्चित रूप से जो ये पूर्व जन्म के कर्म है उनको दूसरे जन्म के कर्म तक ले गया। इस गहराई को हमको सोचना चाहिए। तो हम भौतिकता का अभिप्राय, मैंने अभी निवेदन किया, हम भौतिकता को नकार नहीं रहे हैं, हम उन्नति चाहते हैं, हम आत्मनिर्भरता चाहते हैं, हम भी मंगलयान पर लेख बना करके और मंगलयान पर जाना चाहते हैं, हम हमारी जो समस्याएं उनको हल करना चाहते हैं, लेकिन उस समस्याओं को हल करने में हमको ये सोचना पड़ेगा कि उन समस्याओं को केवल भौतिक दृष्टि से सोचा जाए या कुछ आत्म तत्व की तरफ भी जाया जाए। तो हमें जहाँ तक जानकारी है आज भी भौतिकता से लोग संतृप्त होकर के अब आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ने लगे। उसमें नाम की बात नहीं कह रहा हूं कि आप नाम की बात में राम का भजन करें और कृष्ण का भजन करें, आप ईश्वर को माने, और ईश्वर कोई परम तत्व तो है ही। जब मैंने आपसे निवेदन किया परम तत्व तो है, इस पंखे की कीमत कितनी है? इस पंखे की कीमत मान लीजिए 2000 है, बिजली चली जाए तब भी 2000 है, और बिजली नहीं है तब भी 2000 है, लेकिन इसका अस्तित्व कब है? जब बिजली है। तो गोपीनाथ शर्मा का, आपका, मेरा, सबका कब है अस्तित्व? जबकि इसमें आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व के लिए तो हम कोई कुछ कर नहीं रहे, और हम भौतिकता के लिए ऐसी पेंट पहनूं, ये करूं, वो करूं, और इस प्रकार का हमारा सुविधाएं संपन्न हो जाए। हाँ, सुविधाएं होनी चाहिए, हमको विकास करना है, क्योंकि हम विकास की घुड़दौड़ में यदि पीछे रह गए तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जिस विश्व गुरुत्व की बात कर रहे हैं वो भौतिकता में नहीं था, वह त्याग में था। जितने भी उदाहरण हमको मिल रहे हैं, अशोक ने 1,00,000 लोगों का कलिंग में हनन किया, बाद में कलिंग राज की बेटी को जब बुलाया गया तो उसने कहा कि हाँ महाराज, आप बहुत महान हैं, आपने हमारे कलिंग को जीत लिया, आप बहुत बड़े शासक हैं। अशोक बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने एक प्रश्न कर दिया, आपने 1,00,000 आदमी मारे हैं, मुझे एक आदमी को जिंदा करके बता दीजिए। क्या आप एक आदमी को जिंदा कर सकते हैं? नहीं, हम मार सकते हैं। अरे मारना सीखना तो कोई बात नहीं है, मैं समृद्ध हो जाऊं। हमारी भावना क्या है भारतीय संस्कृति की, भारतीय दर्शनों की? विश्व बंधुत्व है, वसुधैव कुटुंबकम है, फिर क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सबको सुखी देखें, सबका उन्नति चाहें, उस सबकी उन्नति में भौतिक उन्नति भी है, लेकिन हमको आज आत्मिक उन्नति के लिए भी और शिक्षा में मूल्यों के लिए भी सोचना पड़ेगा। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम केवल विज्ञान 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 की बात करते रहे और भौतिकता 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 की बात करते रहे। कोविड में हम भयाक्रांत तो हैं, लेकिन दवाई तो हम चाह रहे हैं, लेकिन दवाई का श्रेय मैं लेना चाह रहा हूँ, चीन कह रहा है मैं लेना चाह रहा हूँ, अमेरिका कह रहा है मैं लेना, अरे क्यों लेना चाह रहे हो? हम मानव के लिए, मानव धर्म को, सारे धर्म अंततोगत मानव धर्म की बात करते हैं। हो सकता है जैसा मैंने निवेदन किया कि यहाँ आने के लिए उदयपुर से, जयपुर से आने के लिए एक चित्तौड़गढ़ होकर के भी आ सकते थे, एक नाथद्वारा होकर के भी आ सकते थे। नाथद्वारा में एक दूसरी जब दो स्थिति होती तो एक हम जो है ब्यावर होकर के आ सकते थे, और भीलवाड़ा से हम नाथद्वारा होकर के आ सकते। मार्ग तो अलग 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 हैं, लेकिन हमको उदयपुर पहुँचना है। इसी प्रकार से जीवन का लक्ष्य तो है आनंद अनुभूति, आत्मानुभूति। हम सुख की प्राप्ति चाहते हैं, हम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं। वो आनंद पहले हमको भौतिक सुख चाहिए, उसके लिए हमको सारे प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो सारे प्रयत्न कैसे होना चाहिए? वो सारे प्रयत्न सत्कर्म वाले होने चाहिए। क्या हमारे करने से, क्योंकि जब बात करते हैं अहिंसा की, तो अहिंसा का अभिप्राय केवल हिंसा मारना नहीं है, हिंसा का अभिप्राय मन से भी सोचना किसी का बुरा, वो भी हिंसा है। कर्म से करना, वो भी हिंसा है, और वचन से किसी के मन को ठेस पहुंचाना, ये भी हिंसा है। क्या हम आज के बच्चे को, आज की शिक्षा को, आज के व्यक्ति को ये बात सोचने के लिए बाध्य करते हैं क्या कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, कैसी अहिंसा? केवल मारने को हम हिंसा नहीं कह सकते। इसी प्रकार से सत्य में, सत्य की जो शुद्ध परिभाषा है वह तो यह है जो सनातन रहे, जो हमेशा रहे। तो हमेशा तो आप भी नहीं रहने वाले, मैं भी नहीं रहने वाला, कोई भी नहीं रहने वाला। तो सोच करके देखिए, यदि ये सत्य मान लें तो फिर जो लौकिक सत्य है और तात्कालिक सत्य है, क्या उसको हम नकार सकते हैं?
क्या 31 तारीख को अब 11:40 पर, सॉरी 11:40 पर मैं इस हॉल में हूँ, इस बात को आप नकार सकते हैं क्या? क्योंकि आपने मुझको गोपीनाथ शर्मा नाम दे रखा है। यदि हम उसकी कहेंगे गोपीनाथ शर्मा तो नश्वर हैं, नाशवान हैं, तो ये तो असत्य हैं। हाँ असत्य तो हैं, लेकिन तात्कालिक स्थिति में गोपीनाथ शर्मा असत्य हैं, इसलिए प्रकृतिवादी दर्शन का अपना महत्व है। आदर्शवादी दर्शन का, क्योंकि गोपीनाथ शर्मा के कुछ विचार हो सकते हैं, वो नकारात्मक हो सकते हैं, वो सकारात्मक हो सकते हैं, तो विचार गांधी जी के विचार गांधी जी तो नहीं है, गांधी जी के विचार सत्य। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम आदर्शवाद की तरफ मुड़ें, हम वास्तव में ईश्वरीय तत्व की किसी कोई अप्रत्यक्ष सत्ता है जिसका भय आप भौतिकता बढ़ा करके संपत्ति तो एकत्रित कर सकते हैं, आप सुविधाएं जुटा सकते हैं, लेकिन सुख नहीं जुटा सकते। आप बहुत सारा पैसा पैदा कर सकते हैं, आप भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संतान नहीं है तो नहीं है, और लड़की है तो लड़की है, और लड़का है तो लड़का है, मेरे को काम ना लड़की की है, भौतिकता से सुख नहीं पा। आप बहुत अच्छा डॉक्टर ढूंढ सकते हैं कि भाई मेरे ये बीमारी हो गई, मुझको आप ले चलो, कहाँ ले चलोगे, और हम एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जुटा सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि मुझको आप जीवित रखने के लिए कुछ कर सकते हो। यदि मेरे को नहीं रहना है तो इस नहीं रखना है, क्योंकि मुझको स्वास्थ्य भगवान ने दी हुई है, उतनी निर्धारित हैं, उतना ही मैं जीऊँगा, और जितनी मुझको दे रखी हैं, मान लीजिए मुझको 2 अरब सांसें दी हैं भगवान ने, 2 करोड़ सांसें दी हैं, तो 2 करोड़ से पहले तो मैं जाने वाला नहीं, चाहे कुछ भी कर ले, ये भाव पैदा होना चाहिए। और यदि मुझे केवल 5,000 सांसें ही लेनी है, ईश्वर ने मुझे इतनी सांसें दी हैं, तो कोई ये कहे कि 5,000 के बाद 5,000 एक और जीवित रख लूँ इसको, तो वो जीवित नहीं कर सकता। इस भावना को आज के इस संदर्भ में वैश्विक परिदेश में हम उन्नति करें, हम विज्ञान की उन्नति करें, हम आईटी की उन्नति करें, हम समृद्धि प्राप्त करें, हम जनसंख्या पर नियंत्रण करें, हम सुख सुविधाओं को जुटाएं, हम अपनी सारी समस्याओं को हल करें, लेकिन शांति इसमें नहीं है, इसमें दुख ही दुख है। शांति कहाँ है सबसे पूछ लो। पहले तो कोई अपने व्यवसाय से ही संतुष्ट नहीं है, सब कहते हैं हमारा व्यवसाय तो बिल्कुल बेकार। अरे भाई, जिस व्यवसाय को आपने चयन किया है और जिसको भगवान ने दे दिया, उसमें आप सुख लो और उसको सुख लोगे तो अच्छा करोगे, लेकिन हमने पहले से मानसिकता बना ली हमारा व्यवसाय तो बिल्कुल बेकार है, तो हमारा उस काम में मन ही नहीं लगेगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत सारी बातें हैं, मुझे समय दिया गया था कि मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँ। निवेदन ये करना चाहता हूँ, आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, उन समस्याओं में भूमंडलीकरण की एक समस्या भी हमारे सामने है। हम दूसरे देशों से संबंध रखना चाहते हैं, क्यों रखना चाहते हैं? अरब कंट्रीज में आपको जानकारी होगी, आप सब विद्वान हैं, आप सब जानते हैं, वहाँ पर रेत ही रेत है और रेत में कुएं हैं और उसमें तेल उत्पादन होता है, समृद्ध है वो बहुत। लेकिन वो ये कहें कि अब हम सारे विश्व को तेल को सप्लाई करते हैं, वो यदि ये कहें कि भाई हम तो अपने तेल का दाम आज 20,000 रुपये गैलन करेंगे क्योंकि हमारे पास है, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि फिर भारत ये कहेगा कि भैया आपके यहाँ अन्न पैदा नहीं होता, चावल पैदा नहीं होता, चीनी पैदा नहीं होती, आपके यहाँ चाय पैदा नहीं होती, हम तो इनका दाम भी 20,000 रुपये किलो करेंगे, असंतुलन होने वाला है, इसलिए वो अपना दाम नहीं बढ़ा सकता, हम अपना दाम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो हम पर निर्भर हैं, हम उन पर निर्भर हैं। तो शिक्षा आज इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई, ऑनलाइन शिक्षा की बात करें, उसकी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं की चर्चा पर तो बहुत वेबिनार हो रही हैं और उस पर बात की जा रही है, कोविड पर भी बहुत बात की जा रही है, लेकिन वास्तव में जो समस्याएं हैं मूलभूत, कि हम अपने को गुरु तो कहना चाह रहे हैं, गुरु हम रहे हैं, गुरु हम हैं, गुरु हम बनेंगे, लेकिन उस गुरुत्व के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने वेदों का बात सोचना चाहते हैं? कभी मैंने सर्वे किया, शिक्षा के बारे में मैं सर्वे करता हूँ, तो मैंने बहुत से गांव के उनमें घरों में पूछा, भगवत गीता है तुम्हारे पास? बोले भगवत गीता तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या है? रामचरितमानस सबके पास है, कुछ बहुत से लोगों के पास, और रामचरितमानस का पाठ बहुत ऊँचा। तो कृष्ण को हम कह रहे हैं ऐसा है, वो महामानव थे, वो ईश्वर थे, वो योगी थे, वो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, इसको समझने के लिए जो मूलभूत है। तो क्या हम आज के विद्यार्थी को कम से कम उस परम सत्ता के लिए, हो सकता है आप नास्तिक हों, मत मानिए आप ईश्वर को, लेकिन कोई ना कोई सत्ता तो है जो इस संसार को चला रही है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बस में नहीं है, वो किसके बस में हैं?
मैंने अभी निवेदन किया, एक ही समय होने वाले दो बच्चे, उनका दोनों का भाग्य अलग है। वो कर्म जो सूक्ष्म शरीर के साथ में गए, वो कर्म कौन से थे? जो जब मैं श्रीमद् भागवत को पढ़ता हूँ, जब मैं महाभारत को पढ़ता हूँ, जब रामायण को पढ़ता हूँ, जब इन षट दर्शनों को पढ़ता हूँ, जैन दर्शन, जैन दर्शन में सत्य अहिंसा अस्ति अपरिग्रह ब्रह्मचर्य कहाँ चले रहे? अपरिग्रह अपरिग्रह अपरिग्रह, संचय मत करो, संचय मत करो, संचय मत करो, लेकिन हो क्या रहा है? संचय 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 संचय। तो सिद्धांत में तो हम कह रहे हैं कि होना ऐसा चाहिए, लेकिन इसका पालन कितना कर रहे हैं? तो मेरा निवेदन यह है कि आज की समस्याओं के बारे में हम भूमंडलीकरण से बात तो कर रहे हैं, हम एक दूसरे के निकट हैं और संबंध रख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम मन से एक नहीं हो रहे हैं। एक और बहुत बड़ी बात है, 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1918 में समाप्त हुआ, 99 लाख के लगभग के लोग मरे थे, 99 लाख लोग। उसके बाद में दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, 1939 में शुरू हुआ, 1943-44 में खत्म हुआ, और उसमें 7 करोड़ लोग मारे गए। अभी कोविड में क्या होना है, भगवान सुरक्षा रखे, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कदाचित चीन और दूसरे बड़े देशों के बीच में ये सब वैमनस्य बढ़ गया और कदाचित तीसरा विश्व युद्ध हुआ, तो मुझे लगता है वो महाभारत के युद्ध से भी बड़ा हो जाएगा। क्या हम इसके लिए चिंतित हैं? तब हमको लौटो, वेदों की तरफ लौटो, गुरुत्व की तरफ लौटो, भारत की तरफ लौटो, हम ज्ञान की तरफ लौटे, आत्मा की तरफ लौटे, ब्रह्म की तरफ लौटे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तब हमें याद आएगा भौतिक सुख सुख नहीं है, तब आत्मिक सुख ही वास्तव में सुख है। तो बहुत सारी बातें, समृद्धि की बात हम करते हैं, समृद्धि होनी चाहिए, भौतिक विचार हैं सभी के लिए, और संदर्भ है अच्छी शिक्षा, सुशिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल तो हमने कह दिया, अभी नई शिक्षा नीति परसों आई है और उसमें कल सबके सामने प्रसारित भी हो गई, मैंने उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो सब बातें ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो कि राधा कृष्ण आयोग जैसे रह गई। पहला भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, पहला आयोग बनाया बैठाया गया 48-49 में डॉक्टर राधा कृष्ण जी की अध्यक्षता में, उस विश्वविद्यालय आयोग का उसका नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अरे भाई उस समय 40 करोड़ की आबादी थी भारत की, शिक्षित कितने थे? शिक्षित ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 8 करोड़ होंगे, 7 करोड़ होंगे, उनमें उच्च शिक्षा में कितने थे? ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख होंगे। तो आपने पहला शिक्षा आयोग बिठा दिया, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर विचार करना चाहिए कि वो आयोग बिठाया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय की शिक्षा बात उन्होंने सबके लिए कही, लेकिन नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और दूसरा आयोग भी जो बिठाया गया वो माध्यमिक शिक्षा आयोग, और तीसरा वास्तव में शिक्षा आयोग बिठाया गया, फिर उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकारें स्थिर रह गई। फिर उसके बाद में 1968 में शिक्षा नीति बनी, 78 में शिक्षा नीति बनी, फिर उसके बाद में राजीव गांधी जी ने एक शिक्षा नीति दे दी, बीच में राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, रिपोर्टें आती हैं, तो जिस प्रकार से रिपोर्टें आती हैं क्या उनका हम क्रियान्वयन करवा लेते हैं? हमने नई शिक्षा नीति 1985 की बात करें तो उसमें दो बातें तो हैं, ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाना अर्थात नवोदय विद्यालय, वो तो काम हुआ, लेकिन वास्तव में गांव के लोगों को अपलिफ्ट कर सके क्या? तो कहने का अभिप्राय यह, हम भौतिकता की बात करें लेकिन हमको आत्मिक सुख की बात भी करनी चाहिए। और आज के विद्यार्थी को, आज के परिप्रेक्ष्य में हम विज्ञान को खूब बढ़ाएं, हम सबसे संबंध रखें, लेकिन कैसा संबंध रखें? कमल के पत्र में जैसा बूंद होती है पानी की, वह पत्ते में होते हुए भी वह पत्ते से अलग रहती है। हम इस संसार में रहें, उस पानी में वो कमल का जो पत्ता है वो पानी में होता है, यदि पानी बढ़ जाए तो पत्ता भी ऊपर आ जाएगा। तो कहने का अभिप्राय, इस संसार में रहें, इस संसार को भोगें, इस संसार के सुख को देखें, इस संसार में सुखी रहें, लेकिन उसके बाद में हमारा ध्येय क्या होना चाहिए कि हाँ संसार के सुख को भोगेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम जो कुछ भी करें, यदि मैं ये धारण कर लूँ कि मैं ये जो गलत काम कर रहा हूँ ईश्वर देख रहा है, तो आप देखिए कोई पाप नहीं होगा। बस यहीं तक यदि हम कर लेते हैं तो आज की शिक्षा का भी ध्येय है। आज की सभा में विश्वविद्यालय ने मुझको आहूत किया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, और कुछ बात मैंने निवेदन की, बात बहुत कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कुछ बात मैं कह पाया, मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं बार बार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज का दौर भौतिक सुख और स्वकेंद्रित हो गया है, और प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मिक सुख और आध्यात्मिक सुख भी होना चाहिए, और इस विषय को जो वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय दर्शनों की समीक्षा है, आपने बहुत ही बेहतर और विद्वत तरीके से हम सब लोगों के बीच में समक्ष रखा। सुखड़िया विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय
प्रोफेसर नरेंद्र सिंह राठौड़ से आग्रह करूंगा कि पधारे और आशीर्वचन प्रदान करें। सर्वप्रथम तो मैं उस महान महान पुरुष को जिसने राजस्थान को एक नई दिशा दी, और ये सत्य है कि उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न राजस्थान का नाम दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को मैं सर्वप्रथम आप सबको साक्षी मानकर नमस्कार करना चाहूँगा। और उनके घर से पधारे हुए हमारे मैडम नीलिमा सुखड़िया मैडम का मैं स्वागत करना चाहूँगा। एक शिक्षा के एक ऐसे परिवार, और उस परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना कार्य किया है आज उसके बारे में एक बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। और इस चर्चा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर अमेरिका सिंह साहब, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, उनका स्वागत भी करना चाहूँगा अपनी तरफ से भी और हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से भी। और मैंने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जो 1000 किलोमीटर दूर से आके और जिसने इस तरह का ठाना हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा, जब भी मेरी इनसे बात हुई मेरे को आप सबसे कहने का आज अधिकार है कि मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि जब भी मेरी इनसे मुलाकात हुई इन्होंने हमेशा इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न किए करे जा सकते हैं और कैसे एक ही कैंपस में। कल मैं बहुत ही आपसे बड़ा प्रश्न हुआ सर, ये तो मेरे दिमाग में भी बात नहीं आई थी, मैं तो व्यक्तिगत यहीं से ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ और मेरे दिमाग में ये नहीं आई कि एक ही कैंपस में दोनों यूनिवर्सिटी रह के किस तरह से आगे कार्य करें और किस तरह से प्रोग्रेस करें जिससे कि ऐसे महापुरुषों के, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी का जो नामकरण हुआ है हमारी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का या महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का, दोनों प्रातः स्मरणीय हैं, ऐसी ख्याति हैं जिन्होंने वाकई में बहुत कुछ दिया हुआ है। और ऐसे व्यक्तियों को हम दोनों यूनिवर्सिटी का सार्थकता यही रहेगी कि हम किस तरह से आगे बढ़ें। तो मैं व्यक्तिगत आप डॉक्टर अमेरिका सिंह साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के हमारे जो मुख्य वक्ता थे, ज्ञान का भंडार था, मैं उनको देख रहा था कि उनके पास कहीं वो कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं करके आए थे, कुछ भी उनके पास नहीं था, मगर ऐसे उमड़ रहे थे उनके विचार और इतने अच्छे दार्शनिक ना इतनी अच्छी चीज़ें बातें उन्होंने बताई है। और वाकई में हम सबको इन चीज़ों का मनन करना चाहिए। तो मैं गोपीनाथ जी साहब का भी स्वागत करना चाहूँगा और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। वैसे तो कभी कभार टेलीफोन पे बात हो जाती है आपसे, मगर आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई आप पधारे। हमारे यादव साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे सारे डीन डायरेक्टर साहब को जो आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और आदरणीय महिलाएं सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा। और वाकई में हम सब धन्य हैं, मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है जिस व्यक्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य किया। और आप देखें शायद 38 साल के उम्र में मुख्यमंत्री बनना, तो आप ये मान लो कि एबिलिटी में तो वो निपुणता लिए हुए ही थे। और उसके साथ अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आप ये देखें कि नाथद्वारा एक छोटा सा कस्बे में से उनकी प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद, और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उन्होंने कोर्स किया डिप्लोमा, और बॉम्बे से किया था। और वहाँ पर जब वो छात्र शुरू से ही मालूम पड़ जाता है जो व्यक्ति इस तरह की लीडरशिप की क्वालिटी होती है उनका बचपन से ही मालूम पड़ जाता है, तो वो वहाँ पर इंजीनियरिंग का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज था उसमें वहाँ पर जब वो अध्यक्ष बने, और तब उन्होंने अपनी एबिलिटी के साथ साथ बोल्डनेस भी दिखाई। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब वहाँ के प्रिंसिपल साहब जो कि अंग्रेज़ों के समय से ही लगे हुए थे, तब उन्होंने कहा कि साहब हम हमारे गवर्नर साहब को बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, गवर्नर साहब से बुलाने से अच्छा ये कि हम मुख्यमंत्री साहब को बुलाएं। तो उस पर बड़ी तूल हुआ इस बात पे, और उन्होंने मोहनलाल सुखड़िया साहब ने उस समय अपने सारे छात्रों के साथ लेके आंदोलन भी किया, और उस समय उनके आंदोलन की क्रिया को देखते हुए उनके प्रिंसिपल साहब ने ये कहा कि नहीं तुम्हारे में बहुत अच्छी क्षमता है और जिस तरह से तुमने तर्क दिया है उसको मैं मानते हुए हम मुख्यमंत्री साहब को ही बुलाएंगे। आप देखें, और आप उनका आप पूरा पूरी हिस्ट्री देखें कि 38 ईयर में इतने बड़े राजस्थान को संभालना,
और उसके बाद उनके उनके जितने भी कार्य हैं, मैं तो एक आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक बात बताना चाह रहा हूँ। मैं जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फाउंडर वाइस चांसलर था, जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो मैंने इनसे कहा कि साहब आपका ये कॉलेज तो बहुत पहले बना हुआ था, यूनिवर्सिटी इतने दिनों बाद क्यों बनी। तब वहाँ के एक बुज़ुर्ग जो कि राज परिवार के ही वहाँ के जो महारावल साहब हैं उन्हीं के परिवार के एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बताया कि साहब कि 1960 में जब ये कॉलेज की स्थापना की गई थी, एग्रीकल्चर कॉलेज की गई थी, और महारावल साहब थे जो करण सिंह जी नाम था, वो करण नरेंद्र सिंह जी लिखते थे, कि उन्होंने 1950 एकड़ लैंड दी, और उस समय तत्कालिक हमारे मुख्यमंत्री साहब थे मोहनलाल सुखाड़िया साहब, उनके पास जाके कहा कि साहब ये हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं। तो सुखाड़िया साहब की दुर्दशा आप देखें कि पूरा उनकी जिसको विजनरी पावर कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं यहाँ रेगिस्तान, क्योंकि जोबनेर जो है सेमी एरिड रीजन है, उसमें एग्रीकल्चर का काम शायद अच्छा नहीं रहेगा, हम उदयपुर में इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बनाएंगे। और उसके साथ साथ क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र है, और आप देखें कि जो सबसे पहले ट्राइबल जनसंख्या की आज के परिप्रेक्ष्य में तो हमारे पास 600 जनजातियां हैं और करीब 12.5 करोड़ उनकी जनसंख्या है, मगर 1966 में जब सबसे पहले ये जनगणना हुई थी जनजाति की, 120 विभिन्न जनजातियां राजस्थान में पाई गई थी, और करीब उस समय के आज पूरे इंडिया में 2.5 करोड़ थी, जो बढ़ के अब 12.5 करोड़ हो गई है। तो उस समय उन्होंने एक देखा था कि शायद हो सकता है ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या एक ऐसे पूर्ण संख्याय की यूनिवर्सिटी बनाई जाए, तो 1962 में ये उदयपुर यूनिवर्सिटी बनी थी, जिसका कि रूपरेखा ये थी कि प्रारंभिक रूपरेखा कि एग्रीकल्चर के हिसाब से किया जाएगा। और मैं तो कल साहब से भी कह रहा था कि साहब मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी तो सारी यूनिवर्सिटी की जननी है, आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी देख लो, हमारी यूनिवर्सिटी भी क्या है, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से ही टूटी हुई है, निकली हुई है, और हमारी यूनिवर्सिटी से भी बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उसके बाद चारों पांचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो उपलब्ध है। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की संरचना करने वाले व्यक्ति, और आज हम उन सबको याद कर रहे हैं, और वाकई में वो प्रशंसा योग्य हैं। और उनका आप ये देखें, जब वो मुख्यमंत्री भी थे उस समय भी उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टरशिप अपने पास रखी थी, और उसका मुख्य कारण यही था क्योंकि राजस्थान बीमारू राज्यों में आता था, 6-7 राज्य ऐसे थे हमारे पूरे देश के कि जिनमें इन्हें इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत पुअर थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो कार्य किए, एक एक कार्यों के आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने सारे काम कार्यक्रम किए। और एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो शायद हमें शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी एबिलिटी के साथ साथ उनमें बोल्डनेस भी थी हर चीज़ को, और विपक्षी भी, आप ये देखें कि उनकी जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय हमारे भैरू सिंह जी साहब जो अपोजिशन के लीडर थे उनके टाइम पे ज़्यादातर समय में, उन्होंने आगे बढ़ के उनकी प्रशंसा की थी, उन्होंने कहा था कि मैं जब भी जाता था कोई भी पॉइंट लेके मोहनलाल सुखाड़िया साहब के पास जाता था तो वो अपने तर्क से और अपनी बातों से मेरे को संतुष्ट करके भेजते थे, और मेरा जितना भी लंबा चौड़ा गुस्सा होता था वो मैं बाहर निकलता था, शांत होके आता था, क्योंकि उस व्यक्ति की विशेष में इतनी तर्कशीलता थी और इतने तरह के चीज़ें थी उनके दिमाग में, और वो जानते थे कि किस तरह से बात की जाए। 1962 में एक यूनिवर्सिटी की संरचना करना, हमने तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि साहब हम तो इस यूनिवर्सिटी को चला भी नहीं पा रहे हैं, मैंने खुद ने देखा कि कितनी तरह की हमारे पास कठिनाइयां हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है शहर वाइस चांसलर को और रजिस्ट्रार एंड कंट्रोलर्स को और यहाँ के सारे टीचिंग स्टाफ को कि किस तरह से हम क्वालिटी एक को अश्योर करें, भले किसी भी तरह की एजुकेशन पॉलिसी आ जाए, किसी भी तरह का कहीं कार्यक्रम आ जाए, मगर हमें ये देखना कि क्या हम सार्थकतापूर्वक जिस तरीके से शुरुआत हुई थी इन यूनिवर्सिटी की, क्या हम वो सब कुछ करने के लिए वाकई में कंपिटेंट हैं क्या नहीं है, क्योंकि ये बहुत चीज़ें ज़रूरी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मोहनलाल सुखाड़िया साहब ने की जो गुण थे, अगर उनमें से एक दो गुण भी हम ले लें तो आज वाकई में उनके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट होगा कि आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। तो वाकई में आज मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि हमें हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए,
और किसी भी व्यक्ति विशेष को गुस्से से ना डरा के ना धमका के, मगर उसको तर्क से उसको समझा के और बाकायदा सही तरह से कंक्लूड करके बताया जाए कि साहब ये सत्य है और ये असत्य है। और दूसरी ये चीज़ ये कि किसी भी परिस्थिति में रहें, आप ये देखें कि साहब इनके ये शायद 56 में चीफ मिनिस्टर बने थे, 1954 में बने थे, और शायद 1952 में जयनारायण व्यास साहब का वो विश्वास मत नहीं जीत पाए थे, तो 2 साल शायद राष्ट्रपति शासन रहा था, मेरे को कुछ ऐसा याद है, हिस्ट्री बहुत पहले पढ़ी थी। और जब मैंने मेरे को जहाँ का चार्ज मिला था उस समय मैंने साहब वापस एक बार वापस पढ़ी थी सुखाड़िया साहब के बारे में सारी चीज़ें, और मैडम नीलिमा सुखाड़िया का हमेशा हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है, ये हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की भी मेंबर रही हुई हैं। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ सर कि हमारे यहाँ पर जो डीन डायरेक्टर के जो सिलेक्शंस होते हैं और वो विधिवत एक बाकायदा तरीके से होते हैं, और उसके बाद कोई व्यक्ति विशेष कुछ भी कहता रहे वो बात अलग है, अन्यथा एक जो दिशा निर्देश दी थी वो ये मैडम बैठी हुई हैं, ये और एक हेमंत बोहरा साहब थे, मैं अभी भी दोनों को याद करता हूँ और उनको मैं हमेशा दोनों की बड़ाई करता हूँ, क्यों, क्योंकि इन्होंने उस समय देख लिया था कि साहब आपके यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए वाकई में अच्छे व्यक्ति को आप चयन कैसे करोगे, एक पारदर्शिता रखी जाए, आपको ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, आपको वाकई में एक सही तरह से इफेक्टिवनेस रखा जाए आपके वर्क में, और इसके साथ साथ आपका आप फेयरनेस भी बताएं और आपकी क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव उसको ध्यान में रखते हुए डीन डायरेक्टर का सिलेक्शन करें। तो मैं तो ये कहता हूँ साहब मोहनलाल सुखाड़िया साहब का परिवार तो एक शिक्षक का परिवार था, और भले उन्होंने कुछ समय तक, मेरे को जहाँ तक मालूम है कि जब वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का करके आ गए थे, फिर वापस उन्होंने नादवारा में भी कोई इलेक्ट्रिकल की शॉप खोली थी, वर्कशॉप खोली थी, मगर वो वर्कशॉप भी ये थी कि उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि किस तरह से कांग्रेस को संग्रहित किया जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए। और आप देखो 17 साल तक जो चीफ मिनिस्टर रहा, उसके बाद ज्योति बसु जी रहे हैं शायद 20 साल तक, वो उनका अलग तरह का सेटअप है वेस्ट बंगाल में, मगर हमारे यहाँ के डेमोक्रेटिक सेटअप में 17 साल तक सबको साथ लेके चलना यहाँ तो एक मुश्किल हो जाती है वाइस चांसलर के लिए, 1 साल भी बिताने के लिए, 3 साल बिताने के बाद तो वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि वो कभी भी नहीं सोचता है कि साहब वाइस चांसलर बनना चाहिए क्या नहीं। तो मैं ये मानता हूँ 17 साल तक जिस व्यक्ति ने, और उस समय हम कितनी परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में थे, आप ये देखा जाए कि उस समय बताया गया था कि साहब 120 जनजाति हैं जिनको पास खाने के लिए और शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है, केवल वो तीर कमान जानते हैं और तीर कमान से ही वार करते हैं, उनको सही दिशा में लाना। और आज आप ये देख लें खेरवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इवन हमारे झाबुआ और जो गुजरात का पोर्शन है, इन सब में एक नई क्रांति लाई, वो कौन लाए थे, वो मोहनलाल सुखाड़िया साहब लाए थे, उन्होंने ही बहुत सारी चीज़ें करी थी। इंदिरा गांधी नहर का, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे राजस्थान के अंदर 61% एरिया एरिड का है और 16% एरिया सेमी एरिड का है, 77% तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता था, मगर ये मोहनलाल सुखाड़िया साहब की बदौलत थी कि इन्होंने केंद्र के साथ मिलके, वो बाद में इंदिरा गांधी नहर उसका नाम रखा गया, बाकी राजस्थान नहर था, और उसके कारण सारे एरिड रीजन आप ये देखो मारवाड़ और पूरे जैसलमेर और बाड़मेर तक सबको सिंचित एरिया घोषित कराया। और एक देखें साहब उनका विज़न था, मैं तो ये सिंपल एक बात बताना चाह रहा हूँ कि साहब उनका एक विज़न था कि उन्होंने ये देख लिया था कि साहब इस राजस्थान में भविष्य में हम सब दुखी रहेंगे क्योंकि 77% एरिया तो हमारे पास पैदा करने के लिए नहीं है, बाकी का 23% जो एरिया है उसमें हम क्या कर पाएंगे, और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, और बीमारू राज्य की जब गणना की गई थी जवाहरलाल नेहरू साहब ने 6 राज्य जो बीमारू बताए थे उसमें राजस्थान का नाम भी 2nd नंबर पर था और यूपी का स्थान 3rd नंबर पे था, बिहार पहले स्थान पे था, मगर देखो आप जब से राजस्थान ने जितनी प्रोग्रेस की है, उन्नति की है, आज हम कम से कम उस बीमारू का से बाहर निकले हैं, सबका योगदान रहा, मगर इनिशिएशन जो रही थी वो वाकई में सराहनीय थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी एबिलिटी, उनकी बोल्डनेस, उनका अच्छा करेक्टर, उनका कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन, उनकी डिसिप्लिन इन द सेंस कि अपोजिशन को भी साथ में लेते हुए सबको साथ चलना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, हम भी हर व्यक्ति विशेष का स्वभाव रहता है कि कभी ना कभी उग्र हो ही जाते हैं जब बहुत ज़्यादा देर तक कोई टॉर्चर करता है, मगर उनका ये देखा गया था
कि साहब वो कभी भी किसी से नाराज़ नहीं होते थे और हमेशा कोशिश ये करते थे कि किस इस व्यक्ति को जिसने कोई एक वॉइस रखी है उसको किस तरह से समझाया जाए। तो आज हमारा वाकई में ये सार्थक रहेगा और एक सही ट्रिब्यूट रहेगा कि हम आज उनके कम से कम उनके सारे गुणों को, क्योंकि हमारा तो दायित्व है आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हर कर्मचारी का, भले आप प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नॉन टीचिंग स्टाफ में हो, सबका हमारा दायित्व है कि हम ऐसी महान हस्ती को याद करें और उनके गुणों का व्याख्यान करें और उनके गुणों में से कुछ ना कुछ एक आधा गुण अपन साथ में लेके चलें और इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे का कुछ कम समय के संपर्क से ही कि यही यूनिवर्सिटी एक बहुत ही काबिल व्यक्ति के हाथ में आई है। मेरे कंपैरिजन में मैंने देखा, मैंने बहुत कोशिश कर रहा था इस यूनिवर्सिटी को 170, सर आप बहुत ही वैसे आप भी भाग्यवान हो कि इस यूनिवर्सिटी के हमारी जो 27 यूनिवर्सिटीज़ हैं फंडेड स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज, उसमें केवल यही यूनिवर्सिटी ने नेशनल लेवल पर NIRF में 178th रैंक ली और पोजीशन 178th पोजीशन पे आया, जबकि कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं ले पाई, सब ने अप्लाई किया था। मैंने जब ये अप्लाई किया था उस समय मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के साथ साथ महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का भी मैंने फाइल किया था, मगर हमारी यूनिवर्सिटी वहाँ नहीं ले पाई थी। इसलिए मैं आप सबको भी कहना चाह रहा हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, मगर इस पोटेंशियल को हम सही दिशा में ले कर चलें तब ठीक रहेगा। अन्यथा तो कई बार अपने स्वाभाविक अपने इंटरेस्ट के कारण हम व्यक्ति अक्सर भूल जाते हैं कि साहब हमारा दायित्व क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो आज वाकई में मैं आप सबको यही पुनः दे कहना चाहूँगा कि मोहनलाल सुखाड़िया साहब के दिए हुए कार्यों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें और इस यूनिवर्सिटी को और आगे ले जाने की कोशिश करें। मैं अपने अपने अंतर्मन से और अपने अंतर हृदय से डॉक्टर अमेरिका सिंह साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज मौका दिया। आज हमारे काउंसिल ऑफ डीन की मीटिंग है, वो वहाँ पर है, वो उसको हम SOC कहते हैं, सीनियर ऑफिसर काउंसिल। मेरे को 12:30 बजे जाना है तो मैं 12:30 बजे तक आपके साथ रहूँगा साहब। और बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब का और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का और गोपीनाथ जी साहब का और सब डीन डायरेक्टर्स का, और विशेष धन्यवाद मैडम नीलिमा सुखाड़िया मैडम का कि आपने अपना समय दे के आप यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में कभी भी कोई स्थायी शत्रु या कोई स्थायी मित्र नहीं होता है, लेकिन मोहनलाल सुखाड़े जी के लिए कहा जाता है कि उनका कोई शत्रु नहीं था कभी भी, और यही बात प्रोफेसर राठौड़ ने भी कही अभी। और इसीलिए राजनीति में इतने कालजयी समय के लिए अनवरत मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राजस्थान को विकास की पथ पर अग्रसर किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके नाम से ये विश्वविद्यालय और हम लोग यहाँ काम करते हैं। आज मोहनलाल सुखाड़े जी के पौत्र श्री दीपक सुखाड़े जी भी हमारे बीच हैं। मैं विधि महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल से आग्रह करूंगा कि पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। हर वर्ष जब यह स्मृति व्याख्यान होता है तो सुखाड़े जी के परिवार की उपस्थिति यहाँ होती है। हम आभारी हैं कि इस अकादमिक कार्य में भी उनकी सहभागिता हमेशा रहती है और आगे भी बनी रहेगी। इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं उनका आभारी हूँ। और आज जो ये स्मृति व्याख्यान आप जो सुन रहे हैं अभी, ये विश्वविद्यालय के YouTube चैनल पर लोग देख रहे हैं लाइव पिछले 1.5 घंटे से। और इस वर्चुअल दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम लोग जब भौतिक रूप से कार्यक्रम करते हैं तो कोविड काल में हम लोगों को वर्चुअल दुनिया में जीना सिखा दिया है। आइए अब अध्यक्ष उद्बोधन की ओर चलते हैं। हमारे ऊर्जावान कुलपति अभी आए को 1 सप्ताह हुआ है, लेकिन उन्होंने न सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि उदयपुर में भी एक हलचल पैदा कर दी है। और 1 सप्ताह में उन्होंने एक क्षण के लिए विश्राम नहीं लिया है और इतनी गति से उन्होंने कार्य को किया है कि एक बहुत मजाक में मेरे पत्रकार मित्र ने मुझसे पूछा कि आप कुलपति को लाए हैं या रोबोट को लाए हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि एक मानव रूप में रोबोट हमारे बीच में है। हम लोग उनकी ऊर्जा से ऊर्जा ग्रहण करेंगे और इस विश्वविद्यालय को ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। अध्यक्ष उद्बोधन के लिए प्रोफेसर अमेरिका सिंह, माननीय कुलपति जी। आज 31 जुलाई है, स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया जी का
104 जयंती के रूप में पूरे राजस्थान में इसको मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से और अपने तरफ से श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। मंच पर आसीन महाराणा प्रताप एग्रीकल्चरल एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति, इंटरनेशनल फेम के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट और हमारे इस विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति, हमारे बीच में हैं। मैंने यादव जी से प्रश्न किया था कि इस मेमोरियल लेक्चर का क्या उद्देश्य है, उन्होंने विस्तृत रूप से मुझे बताया और कहा कि आपको अध्यक्षीय स्पीच देना है। मैंने उससे कहा कि मैंने जीवन में, ये मेरा 35वां वर्ष है टेक्निकल एजुकेशन में, या तो लेक्चर दिया, या तो चीफ गेस्ट रहा, या गेस्ट ऑफ ऑनर रहा, ये अध्यक्ष तुम्हें कभी रहा नहीं, बताया मुझे क्या करना है। उनका सिर्फ आपको आशीर्वाद देना है। हमने कहा ये काम तो बहुत अच्छा है, तो मैं आज आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। और वो आशीर्वाद जो हम जयंती मना रहे हैं, जो मेमोरियल लेक्चर मना रहे हैं, जिसके यादगार में जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता हैं उनको चरणों में अर्पित होगा जो आशीर्वाद हम देंगे आपको। हमारे बीच गोपीनाथ शर्मा जी हैं, हमारे मित्र के मित्र हैं और हम उनको गुरु के श्रेणी में रखते हैं। तो ये जिसके मित्र हैं वो हमारे गुरु हैं, वो हमारी कुंडली भी देखते हैं आज पिछले करीब 20 साल से। और उन्होंने 25 साल पहले कह दिया था कुलपति बनेंगे, हमने कहा आप छोड़ देते हैं कुलपति बनना, और कुलपति बनने का जो नशा है वो भी समाप्त हो गया। आपका मैंने एक एक शब्द सुना, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, साइंटिस्ट हूँ, बहुत अच्छा लगा। आपका एक शब्द, जितने समाज सुधारक थे उनके आगे मोहन लगा हुआ था, तो आपके आगे भी गोपीनाथ लगा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप भी एक सुधारक हैं, दार्शनिक हैं। आपके व्याख्यान से जो लोग भी इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे सभी के लिए ये लाभप्रद होगा। सीमा मलिक जी, प्रोफेसर सीमा मलिक जी हमारे बीच बैठी हैं, आर्ट्स फैकल्टी की डीन और इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि गोपीनाथ शर्मा जी का जो व्याख्यान है उसके अंग्रेजी में अनुवाद करके हिंदी वर्जन दोनों सारे दूतावासों को भेज दें, और चाइना को चाइना के भाषा में अनुवाद करा करके उनको वहाँ उनके दूतावास को भेज दें, और उनको बताएं कि कोविड का ये तो बात में सामने नहीं आई है, हम जैसे वैज्ञानिक आप जैसे साइंटिस्ट के बीच में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोविड कहाँ से आया, क्या उद्देश्य है, और हमारा दर्शन और हमारा जो वेद है, हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं, इनका जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। और एक जो हमारा दर्शन है उसका एक नमूना, एक व्याख्यान उनके चाइनीज भाषा में लिख करके उनको दूतावास को भेज।
बहुत अच्छा लगा सर, यही मेरे तरफ से आपका आपके लिए आशीर्वाद है। मैं कई भाषाओं में उसका वर्जन करके दूतावास को प्रेषित कर दूंगा। हमारे बीच मंच पर बहुत ही ऊर्जावान, हमको तो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है जो हमेशा मुस्कराता है, जो हमेशा मुस्कराते रहते हैं, हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर साहब, इनकी मैं तारीफ क्या करूं। ये बहुत ही हर समय छात्रों के कल्याण की बात सोचते हैं, जो मेरा प्रथम कार्य है, छात्रों का कल्याण प्रथम, पेंशनर जो हैं उनका कल्याण द्वितीय, कर्मचारी हैं उनका कल्याण और शिक्षक का कल्याण, ये हमारी कर्तव्यों में से एक है। 10 कर्तव्य होते हैं वाइस चांसलर के, जब समय मिलेगा तो एक एक पर डिस्कशन किया जाएगा। मैंने 22 जुलाई को ज्वाइन किया, आज 11वां दिन है, 156 घंटे कार्य किया। और अभी हमारे कुंजन जी बता रहे थे कि रोबोट की चर्चा कर रहे थे, तो 1988 में मेरे सुपरविजन में उत्तर प्रदेश का पहला रोबोट बना छात्रों के सहयोग से, और उस रोबोट से हम लोगों ने क्रिकेट खिलाया था, जबकि मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूँ, मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स का भी ज्ञान नहीं रखता हूँ, मेरा सब्जेक्ट केमिकल साइंसेस है, फिर भी इंटरेस्ट लेकर के बच्चों को मोटिवेट कर करके उत्तर प्रदेश का पहला रोबोट, उस समय में डीन स्टूडेंट वेलफेयर था, उसको सामने लाया था। 155 घंटे में जो मैंने कार्य किया, उसका एक संक्षिप्त आशीर्वाद के रूप में हम देना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैंने साइंस फैकल्टी का निरीक्षण किया, और सर प्रत्येक कक्ष को, प्रत्येक कर्मचारी से, हर चीज़ को मैंने माइन्यूटली देखा। जब तक मेरी आंखें नहीं देखेंगी तब तक दिमाग पर विश्वास नहीं होगा, मन में कोई जो भावना है वो आपके सामने नहीं आएगी। मैं सर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अभी आपके विश्वविद्यालय भी मुझे कुछ बोलना है, आपका सहयोग भी लेना सर, हम क्षमा चाहते हैं कि 5 मिनट और दे देंगे, 12:30 की अलावा। साइंस फैकल्टी का मैंने दौरा सर्वप्रथम किया, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, साइंस का टेक्नोलॉजी का शिक्षक था, सभी देखा। आपका जो कार्य है फैकल्टी ऑफ साइंस का, बिल्कुल नेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है, इसमें दो राय नहीं है, और इसीलिए आपको एक्रेडिटेशन में सफलता मिली है। मुझे तो कोई नज़र नहीं आई, लेकिन 22 जुलाई के बाद एक नई रेखा वहाँ से खींचेंगे, पीछे आप लोग करते आए और आगे क्या हम करेंगे ये आज ही के दिन अगले वर्ष आपको पता चलेगा। आज ही के दिन अगले वर्ष मैं प्रेजेंट करूंगा इसी मंच से। साइंस फैकल्टी हर डिपार्टमेंट लगभग बराबर है, शोध कार्य हो रहे हैं, आप इसी तरह करते रहें, इसको और आगे बढ़ाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बामनिया जी वहाँ के डीन हैं, इंटरेक्शन हुआ, रूसा का कार्य भी अच्छा चल रहा है, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सब डिपार्टमेंट अपने अपने लगे हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट में वो मुझे बढ़ाने की जो आवश्यकता हुई वो जियोलॉजी, माइनिंग का ये गढ़ है। और मैंने हरी झंडी स्वीकृति दे दिया है जियोलॉजी विभाग के कि आप MOU साइन कराओ, उसकी प्रक्रिया शुरू करिए, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से MOU साइन कराइए, वहाँ से ऑफर आया है, PG प्रोग्राम चलेगा, रिसर्च चलेगा, कोलेब्रेशन चला, मिल करके ही काम करेंगे,
अगर आप सोचते हैं कि हम अकेले काम करेंगे, ये आपका भ्रम है, वैज्ञानिकों का भ्रम है। वैज्ञानिक को खिलाड़ी, वैज्ञानिक को स्पोर्ट्समैन का फीलिंग एक होता है, वो मिलजुल कर काम करते हैं, श्रेय नहीं लेते हैं। अगर हम वैज्ञानिक है, एक टीम है, अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो जो कार्यकर्ता उसी को देते हैं कि आप ले जाओ। और जो सीनियर होता है, जो लीडर होता है, अगर वो रिसर्च फेल्योर हुआ, हमारे ज़िंदगी में बहुत से रिसर्च प्रोजेक्ट हमने पूरा किया, कई जगह फेल्योर हुआ, उसकी कमियाँ, उसका दायित्व, जो कमी होती है हम अपने ऊपर लेते हैं, हम अपने जूनियर के ऊपर नहीं आने देंगे। और यहाँ भी यही करेंगे, अच्छे कार्य कर रहे हो, कोई कमी आती है, उसका सारा दायित्व तो मेरे ऊपर रहेगा और अच्छाई आपकी रहेगी। जियोलॉजी डिपार्टमेंट को मेरी इच्छा है कि उसको इस स्तर पर ले जाएं, पुराना डिपार्टमेंट है और हमें समय की मांग भी है, राजस्थान की भी मांग है कि उसमें नए कोर्सेस स्टार्ट किए जाएं। सर आपका, आप हमारे राजस्थान के अग्रणी विश्वविद्यालय में हैं और बहुत ही मुझे जानकर खुशी हुई, क्या कृषि और टेक्नोलॉजी में दोनों में आगे के पत्ते में हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारा जियोलॉजी विभाग को बढ़ाने में, स्टार्ट करने में, प्रोग्राम स्टार्ट करने में आप हमारी मदद करें और आप हमसे बड़े हैं, उम्र में हम बड़े हैं लेकिन बाकी चीज़ में आप बड़े हैं। आप इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, इसलिए मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारा जियोलॉजी विभाग पर उसी तरह स्नेह करें जैसा कि स्नेह से आपने इस विद्यालय के बहुत से कमियों को दूर किया और एक्रेडिटेशन तमाम चीज़ों में मैंने पत्रावली में देखा है, आप आगे ले जाएं। और समय समय पर जब आपके हम कक्ष में आएंगे तो आप सीनियर रहेंगे, जब कक्ष के बाहर मिलेंगे तो उम्र में बड़े हैं, 35 वर्ष से तो हम टीचिंग है और 63 साल उम्र है तो हम बड़े हो जाएंगे। यही सर आपसे आशा है हमारी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी मदद भी करेंगे। इसके बाद मैंने कॉमर्स एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है जिसको मेडिकल की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और इसीलिए इसको प्रोफेशनल कोर्स कहा जाता है। कॉमर्स और लॉ और एजुकेशन तीन, ये प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। टेक्नोक्रेस्ट मेडकोस एग्रीकल्चरिस्ट को ये सहयोग प्रदान करते हैं, जगह जगह सहयोग प्रदान करते हैं और आपकी फैकल्टी, आई थिंक वहाँ की डीन प्रोफेसर रेणु जी हैं, थोड़ा याद नहीं आ रहा, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपका कॉमर्स विभाग फैकल्टी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है। और मैं प्रयास करता हूँ, अखबारों में भी आया कि आपके संकाय को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो विधिक प्रक्रिया होती है, कोई चीज़ अनाउंसमेंट को पहले सोचा जाता है कि हम उस लायक हैं कि नहीं, कहीं हंसी के पात्र तो नहीं बन जाएंगे। मैं जो सोचता हूँ आप सहयोग करोगे, आप जैसे लोगों का सहयोग मिलेगा तो अवश्य होगा। इच्छा शक्ति है, विश्वास है, अनुभव है तो इस संकाय को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे और उसकी प्रक्रिया हमने शुरू भी कर दिया है। बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है और ईश्वर की कृपा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में हमें अनुभव भी है। आपसे मैंने अनुरोध भी किया था कि आप छोटे छोटे प्रोग्राम स्टार्ट करें ताकि बच्चा पढ़े भी, 2 महीने का कोर्स कर ले, CA का काम करे, अकाउंटिंग का काम करे, उसको 5-6 हज़ार रुपये का एक साइड में उसको सहयोग मिलता है, जॉब मिलता है। ये कॉमर्स के लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा आशीर्वाद है। इसके पश्चात मैंने आर्ट्स फैकल्टी का निरीक्षण किया, वहाँ पर भी हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। आर्ट्स फैकल्टी भाई फैकल्टी है,
तरह तरह के सब्जेक्ट हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के व्यक्तित्व हैं, तरह तरह के विषय हैं, कुछ पॉलिटिकल है, कुछ नॉन पॉलिटिकल है, कोई प्रोफेशनल है, तरह तरह के हैं। तो तरह तरह के लोग विश्वविद्यालय देने में होते हैं, उससे हमको क्या लेना देना है। हमारा तो यही है विश्वविद्यालय का कल्याण हो, ये जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है उसका भी कल्याण हो, और आप लोग कर भी रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने हर हर लैब को, हर कमरे को, जो कमरे बंद थे उसको खोल कर देखा, इसलिए देखा कि अगर हमारे दिमाग में कोई प्रोजेक्ट हो तो क्या इस कमरे को यूज़ कर सकते हैं क्या। और वहाँ पर भी मैंने आशीर्वाद दिया आर्ट फैकल्टी को कि स्टाफ कॉलेज खोलेंगे, और ये तय है कि स्टाफ कॉलेज खुलेगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि मूलतः हमारे पूर्वज राजस्थान के हैं, और राजस्थान के जीन्स में है कि जो बोलते हैं वो करते भी हैं। तुमने बोला तो वो अवश्य होगा। मैडम रेणु मलिक जी, आप सभी को सहयोग लेकर के आप आगे बढ़ें, स्टाफ कॉलेज की स्थापना करें, उसको स्वरूप में लाएं। और एक अनाउंसमेंट में आपके यहाँ और किया था, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडिंग जर्मन, जर्मन शुरू में हम ही पढ़ा देंगे, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, बट चाइनीज मत खोलिएगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत कष्ट है, यहाँ बोलना उचित नहीं है। तो ये आपके यहाँ का शोधकार, पीएचडी, नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट, आपके जो पहले के प्रोफेसर थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप लोग का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको देखते हुए छात्रों के कल्याण के लिए हमेशा आप सोचें, और यही आपके फैकल्टी के लिए मेरा आशीर्वाद है। आगे जो हमने अनाउंसमेंट किया उसको पूरा किया जाएगा। इसके पश्चात मैंने ला फैकल्टी का निरीक्षण किया, क्या साहब वो मैंने जीवन में ऐसी फैकल्टी सर नहीं देखा, रियली बता रहा हूँ, वेल प्लेस्ड, हर आइटम हर जगह लिखा हुआ है, नीट एंड क्लीन, किसी ऐसा कोई कमरा, ऐसा कोई कक्ष नहीं मिला जहाँ पर मुझे कोई कमी दिखी हो, और सब यूटिलाइज सर है। और आपके यहाँ जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो इंटरनेशनल की लाइब्रेरी है। जब मैं जर्मनी में गया था तो उस तरह का कुछ हमको सिनारियो देखा, और वो विभाग बहुत अच्छा है, इसीलिए विभाग हमने अच्छा बनाया तो आपका भी अच्छा नाम है। वहाँ पर भी हमने अनाउंसमेंट किया कि ऐसे ऐसे कोर्स स्टार्ट करें जो जिसका इमीडिएट इम्पैक्ट फैक्टर दिखे, सब लोग साइट करें, उसको अडाप्ट करें, हर वर्ग के लोग अडाप्ट करें, जिसकी जो आवश्यकता है। तो सर वहाँ भी हमने डिप्लोमा इन साइबर कैफे, साइबर क्राइम, डिप्लोमा इन साइबर क्राइम में प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए आपको आशीर्वाद दिया था, और ये भी प्रोग्राम आप शुरू कर दें अगर समय बीतता है तो इसी हिसाब से कर लें। आपका एक विभाग और है, मैं जो बहुत नाम याद नहीं रहता है उसको, स्पोर्ट क्लब या विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल, क्या नाम था, धीरे धीरे याद होगा। आप सभी लोग बैठे, सबको आशीर्वाद दूंगा, आपकी इच्छा थी ना आशीर्वाद दें, वहाँ भी मैंने आशीर्वाद दे दिया। आपका प्रोग्रेस, आपका मेडल, आपके प्रोग्राम का क्या यूटिलिटी है समाज को, सब मैंने देखा। अब जाना, धन्यवाद सर, मैं आपके विश्वविद्यालय में आकर आशीर्वाद दूंगा। थैंक यू, थैंक यू सर, को जाना है। कार्यक्रम है आपका, सीओडी की बैठक है, पहले से अनुरोध कर चुके थे, वहाँ पर जाकर के भी मैंने उस प्रतिष्ठान को भी आशीर्वाद दिया कि शीघ्र ही बीपीएड और एमपीएड पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, और इसके लिए एनसीटी में आवेदन के लिए भी मैंने अनुरोध किया,
और प्रोफेसर पालीवाल जी हैं, दोनों के चेयरमैन हैं, एक के डीन एक के चेयरमैन हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये आशीर्वाद भी आपको अगले साल इसी दिन तक दिख जाएगा। इसके पश्चात मैं कर्मचारी यूनियन से भी मिला, उनको भी आशीर्वाद दिया, उनकी जो मांगे है अगर नियम में आता है, एक्ट में आता है, गवर्नमेंट का जीव है तो मुझे पालन करने में जरा सा देरी नहीं आएगी, इमीडिएट एक्शन होगा। जो हमारे भूतपूर्व कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनके लिए हम विशेष रूप से चिंतित हैं और उनको आश्वासन दिया, चाहे जिस तरह हो आपको पेंशन मिलेगी, क्योंकि ये पुनीत कार्यों में आता है, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है कि धन रहते हुए भी और समय से हम पेंशन का भुगतान नहीं करें, उनसे भी मिला मैं। छात्र संगठन भी आए, उनसे भी मैंने मुलाकात किया, उनको भी मैंने आशीर्वाद दिया कि आपकी यूनियन अगर मान्यता प्राप्त है, चाहे जहाँ से हो, यहाँ से हो, विश्वविद्यालय से हो, कोर्ट से हो, शासन से हो, जहाँ से हो मान्यता प्राप्त है, आप मांग लेकर आओगे, उसी समय हम आपकी मांग अगर उचित होगा तो पूरा करेंगे, नहीं होगा तो उसी से मना कर देंगे। और इसके लिए अगर धरना प्रदर्शन करेंगे, उस धरना प्रदर्शन में कुर्सी लगाकर मैं बैठूंगा वहाँ पर, आपका सुनूंगा और मीडिया को बुलाऊंगा, और आपका मांग पूरा करने के लिए हम सक्षम नहीं हैं, हमारा नियम कानून अलाउ नहीं करता है, उसी जगह उद्घोषणा कर देंगे, मैं नहीं कर पाऊँगा। इरादे साफ होना चाहिए, ये मन की बात है। इसके अलावा कुछ सामाजिक संगठन भी हमारे पास आए, मना तो मैं नहीं कर सकता, अगर कोई सम्मान करने आएगा तो मैं सम्मान लूंगा ही, उनको आया, उनको भी जैसा था जैसा माहौल था वहाँ भी उनको मैंने सम्मान दिया, उनको आशीर्वाद दिया। हमारे बीच के निकाड़ों से जो हमारे विधिक अंग हैं, कुछ सचिव और फाइनेंस ऑफिसर संभवतः नहीं है, सब दोनों नहीं, अच्छा सामने बैठे हैं, क्योंकि आप ये लगाए इसलिए मैं देख नहीं पाया, तो वहाँ का भी आशीर्वाद दिया कि जो भी फाइल आए वो हमारे बॉम्ब का क्या डिसीजन है, एकेडमिक काउंसिल का क्या डिसीजन है, सीओडी का क्या डिसीजन है, जीओ क्या है, गवर्नमेंट आर्डर क्या है, सारे परिप्रेक्ष्य में उसका परीक्षण करके आप मेरे सामने लाइए, उसी वक्त हम उसको अप्रूव कर दें। और मैं ऐसा कर भी रहा हूँ, जो भी फाइल आ रही है मैं इमीडिएट देखते ही फाइल को लग जाता है कि ये तुरंत करने योग्य है, जिसमें नहीं कुछ कन्फ्यूजन होता है, समय से कोई हमारे अधिकारी नहीं है। उसको भी मैं प्लीज डिस्कस करके उसको फाइल पर नेक्स्ट डे उसका डिस्पोजल कर देते हैं। आपने मुझे संकेत दे दिया, बस 2 मिनट और लगेगा। मुझे तो बहुत कुछ बोलना था, बगल वाले यूनिवर्सिटी के बारे में सहयोग लेना था, वो चले गए, बाद में उनके कमरे में जा कर के उनसे सहयोग प्राप्त करेंगे। हमारे सुखाड़िया परिवार के हमारे 2 सदस्य हैं और आपका विजन देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि बॉम्ब का संरचना, बॉम्ब का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसी अनुरूप हो। आज ये बहुत ही पवित्र दिन है, हमने जो सपना देखा 155 घंटे में 11 दिन में, वो सपना मैंने आपके सामने रख दिया। आपसे सहयोग है कि हमारे सपने को साकार करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। आज के दिन मोहनलाल सुखाड़िया जी के लिए इस सच्ची श्रद्धांजलि है।
इससे बड़ी सर्जांजल नहीं है। और जब कल मैं रात में सपना देखा, अच्छे से सपने देखिए, अच्छे से सोचिए, तभी कार्य कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जितना अच्छा सोचेंगे उसको लिख लीजिए और उसी को करिए। जो रात में मैंने सोचा वो भी समर्पित करता हूँ आज, कि आर्ट फैकल्टी में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की स्थापना की जाएगी। आर्ट फैकल्टी में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की स्थापना की जाएगी। इस विश्वविद्यालय में आर्ट फैकल्टी में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की स्थापना की जाएगी, ये शब्द मैंने 3 बार बोला। ये जो हमारा विजन है 1 साल का, जो हमारी कार्य योजना है 1 साल का, हम पूर्ण आत्मा से जिस अवसर पर यहाँ व्याख्यान हो रहा है, हम प्रार्थना करते हैं उस आत्मा से, ईश्वर से। आत्मा ईश्वर का एक प्रतिबिंब होता है। आत्मा कहीं हो, मैं उनका आवाहन करके इस अवसर पर प्रार्थना करता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ कि हमने जो पुष्पांजलि, जो हमने आपको सदा सुमन अर्पित किया है तहे मन से तहे दिल से, उसको कामयाब उसको पूरा करने में हमें आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बगल में जो पूरा कार्यक्रम टेलीकास्ट हो रहा है, अविनाश जी कहाँ हैं, आपको भी आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद देना है, आपको भी आशीर्वाद है। इसी तरह अच्छे से काम करिए और कल कोशिश करिए, आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है, आपके लिए कोई रक्षाबंधन नहीं है, आपके लिए 16 घंटे काम करना है, या मेरे साथ करिए या विश्वविद्यालय में आकर करिए। 16 घंटे इस विश्वविद्यालय को मैं प्रत्येक दिन दूंगा। थोड़ा कल परसों तो लगा था अस्वस्थ हो गया, कुछ ठंडा पानी पी लिया, गला खराब हो गया, तो आप थोड़ा हमारे संपर्क में आइए, एक टीम बनाइए और इसको और बच्चों से इंटरेक्ट करें, सारी योजनाएं हैं। एक आशीर्वाद और देना है, यही आशीर्वाद आपके लिए है, अच्छा काम करिए, सब लोग देख रहे हैं, यही आपके लिए आशीर्वाद। एक आशीर्वाद और है जो मैंने पहले बता दिया था, दे चुका हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ आज की जयंती के अवसर पर, कि जिनका जो ड्यू है, रेगुलराइजेशन का ड्यू है, डेट ऑफ सीनियरिटी का ड्यू है, कैश का ड्यू है, वो सब पूरा करूँगा, परंतु आप लोगों को आर्थिक रूप से हमको परेशान मत करिएगा। तो आने वाला समय जो इस तरह चलेगा, आर्थिक समस्या आती है, अगर हम डेट ऑफ एलिबिलिटी से प्रमोशन देते हैं, सीनियरिटी मानते हैं, आपका रेगुलराइजेशन करते हैं, आपका कैश का जो ड्यू है वो देते हैं, तो कुछ समय के लिए जो आपका ड्यू बनता है, आर्थिक ड्यू बनता है, उसको आप रोके रहिएगा और छोड़ देंगे तो कृपा हो जाएगी विश्वविद्यालय पर, लेकिन आपका ड्यू हम पूरा करेंगे, ये भी आशीर्वाद आपके पास। और आप इतना मैंने आशीर्वाद दिया तो आपका भी कुछ नैतिक धर्म होता है, होता कि नहीं, आपका नैतिक धर्म ही है। मैंने पहले कहा कि पीछे हमारे 16-17 वाइस चांसलर के कार्य में कार्य क्या रहा, वो सराहनीय रहा है ना। आज इस स्टेज पर विश्वविद्यालय नहीं आया, वो अपने समय से काम करते रहे, स्वागत जो योग्य है उसमें हम किसी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे। वो हमारे सीनियर हैं, सीनियर को इज्जत करना हमारा धर्म है, लेकिन आगे की रेखा हम खींचेंगे, आगे की रेखा हम ऐसे खींचेंगे, कोशिश करेंगे कि इस विद्यालय का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक टेक्निकल और प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के रूप में सामने आए। और आपका भी कर्तव्य है, इतना हमने आशीर्वाद दिया तो आपका भी कर्तव्य है। आपका कर्तव्य क्या है कि आप लोग हमारा सहयोग करें,
आप लोग हमारा सहयोग करें, बातों सहयोग करें, प्रशंसा करके सहयोग करें, हमारे अच्छे कार्य को सहयोग करो, सहारा ना करिए, और हमारे बुरा कार्यों को आप फैलाओ। जिस दिन मुझे लगेगा अगर मुझसे गलती हो गई, इमीडिएट उस ऑर्डर को मैं वापस ले लूँगा। अगर हमसे कोई गलती होती उसका तुरंत रिव्यू कर दूंगा। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा डिसीजन मैं नहीं लूँगा, बिना आपके सहमति से कोई डिसीजन नहीं लूँगा। समय समय से कमेटी फार्म होगी, कमेटी का रिकमेंडेशन रहेगी, और जो हमारा एक्ट है, जितने हमारे काउंसिल हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डीन्स हैं, चेयरमैन हैं, सबके सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे और इस कार्य में आप लोग हमारे साथ रहें, यही आपसे अपेक्षा है। और मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले पाया, हमारे बीच आहूजा जी भी हैं, दिख रहे हैं, और राठौर साहब हैं, सुतार जी हैं, पालीवाल जी बैठे हुए हैं, पालीवाल जी आपको तो आगे बढ़ना चाहिए, हमारे राकेश पुरोहित जी हैं, बहुत से लोग हमारे बीच बैठे हैं, हर विभाग के लोग बैठे हुए हैं, हमारे एक और राठौर जी हैं, क्या नाम, सूटा चलाते हैं, सूटा, अरे कुछ और चलाओ यार, बढ़िया चीज़ चलाओ, हाँ हाँ, और रेणु जी नहीं आई हैं। मैं सारे डीन, सारे चेयरमैन, समस्त चेयरमैन, समस्त डीन, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त फैकल्टी मेंबर, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लोग, छात्र जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, अभिभावक जो हमारा आवाज़, हमारी वाणी को सुन रहे हैं, अभिभावक, हमारे कुछ शिक्षक जो घर पर हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को, सभी के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय का। उन्होंने जो आशा व्यक्त की है उस पर सब लोग खड़े उतरेंगे, और जिस सक्रियता से आपने काम शुरू किया है, आपके बारे में तो मैं बोल ही नहीं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका जो आशीर्वचन और इतना सारा आशीर्वाद जो मिला है सब लोगों को, आशा है वो आगे भी मिलता रहेगा, ताकि सब लोग और सक्रियता से और ऊर्जा के साथ काम कर सकें। और अब इस व्याख्यानमाला के पूर्णाहुति के क्रम में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डीन पी जी स्टडीज़ प्रोफेसर बी एल आहूजा साहब से आमंत्रित करता हूँ पधारें और धन्यवाद की ज्ञापन अदा करें। डायस प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, वाइस चांसलर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, और कीनोट स्पीकर प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा जी, फॉर्मर फैकल्टी चेयरमैन संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर, और चीफ गेस्ट प्रोफेसर एन एस राठौड़ साहब हु हैज रिसेंटली लेफ्ट, कन्वीनर ऑफ दिस लेक्चर प्रोफेसर पी एम यादव डी एस डब्ल्यू जी, फैमिली मेंबर्स ऑफ ऑनरेबल सुखाड़िया फैमिली, विशेष नीलिमा सुखाड़िया जी, दिलीप जी, डीन्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस, डायरेक्टर्स, फैकल्टी चेयरपर्सन्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट यूनियन ऑफिसर्स, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, माय डिप्टी रजिस्ट्रार जी, गेस्ट इन दिस मेमोरियल लेक्चर्स हु हैव कनेक्टेड देमसेल्व्स इन दिस ऑनलाइन मेमोरियल लेक्चर, and dear friends, on behalf of Office of DSW and Sukhadia University, I thank the Honorable Dais, particularly Professor N.S. Rathod Sahab, who has recently left this auditorium to attend another program. Professor Rathod was our also Vice Chancellor
and I show him having charge of 3 universities. So having charge of 3 universities, I can understand the burden of a person, because I was also having charge of 3 or 4 posts at a time a couple of months back. So I'm really really grateful to Professor N.S. Rathod sir, who just spared very valuable and very important time for us. Friends, Professor Gopinath ji has traveled a lot from Jaipur, particularly in this COVID environment. It's very difficult and very afraidful also. People are in fear actually, and we don't know what's going to happen due to COVID. Even the, with the limitations of COVID environment, and looking the age of Professor Gopinath ji, maybe about 70s, so he took this risk to travel to Udaipur also. So I am really grateful to Professor Gopinath, who has not worried about this COVID or his life, but he chose to be in Udaipur to bless us. In this particular lecture, memorial lecture on Mohanlal Sukhadia University, you have listened so many aspects of life, and what I believe is all these aspects, all these phenomena can be understood in terms of science. We can understand darshan of science, science of darshan. We can understand philosophy of science, science of philosophy. We can understand psychology of science. We can understand psychology of science. So all the aspects can be related, all the aspects can be connected to the science, and there are ways to explain it. Those are based on particularly on the quantum mechanics and other subjects in physics and chemical sciences as well. Friends, from the core of heart, I thank our keynote speaker, Gopinath Sharma ji. In fact, I know Professor Sharma since last 10 years, when Dr. Chaturvedi, Narendra Chaturvedi, he told we have very imminent, very snehashil, very honest, and very dedicated professor in university. So I just asked who is the professor, then he just named there is one professor, so Gopinath Sharma ji is doing excellent work in our institute. I really appreciate the way you have dedicated your life to the educational institute, which is remarkable and memorable, not only to Sanskrit University, to the entire world and the India. Thank you very much, sir, to be being with us. Friends, we got new vice chancellor. When I heard the name, it was little bit surprising, because such names are hardly available in nomenclature. So anyhow, I tried to search website by different names, and just show that our vice chancellor is quite eminent scientist, and he's from the chemical sciences. Then I thought, okay, good, at least we got science person, because we were having almost vice chancellors from other faculties. So when I was going with science problem and I was appreciating science subjects, everyone was just looking me like this, just getting on me, what he is saying. I was always saying science is the best in this university, physics department is the best. There should be impact factor, there should be citation, there should be this, there should be that. And I was just glared innocent, matlab, just aparadhi ki tarah mere ko dekhte the, actually, I can say. So I am really happy that there is at least one person to support me. And he has supported also, because he has visited the science faculty. He has seen the potential of the science. Whatever we are doing, 80%, 70% contribution, that comes from the science faculty. I'm happy to announce it here. And I always say it, and I mean it, actually. Although my role is just to thank everyone here, I'm just going beyond that. I'm sorry for that. I just thank our Honorable Vice Chancellor to encouraging us, particularly science subjects and other faculties also. Our Vice Chancellor, he show each and every room, he show each and every laboratory and the problems associated with the science faculty.
And I just show, because I have seen a couple of vice chancellors during my 30 years of job in different universities. I have seen Sukhadia University, of course, yes. Then Rajasthan University, Jaipur, I have also served. I got PhD from Rajasthan University. Then Udaipur University, Jodhpur University, I have also served. So MNIT, Jaipur, I have also served. So then a couple of foreign universities, I have been there. So I found that comparing all the administrators and vice chancellors, I found that our honorable vice chancellor is not only robot, but he is a human in robot. So what he will do, that will be really appreciable. And we all hope that our university will have very bright future. Although I have 1 year of service, and whatever possible within that year, I will contribute from my side. And I'm really grateful to our Vice Chancellor and thankful to our Vice Chancellor on behalf of entire university in all the faculties to visiting different places, different laboratories. Dr. Yadav, he's always very encouraging in organizing the student activities. He works in a very peaceful environment and always in cheering mood actually. If the students, they are coming with crying mind or just loud sounds, he just says something in such a way so that everyone goes in laughing mode. So this is the beauty of Professor Yadav, and then he has guts to control the students. So I really appreciate the organizer of this particular memorial lecture. Thank you all. Thank you all the students, all the guests, all the officers of the university who are here. And finally, I say I'm indebted to all of you to be here. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Sat Sri Akal. Thank you. Thank you, Professor Ahuja. और अंत में मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों. राष्ट्रगान के पश्चात जलपान के लिए सब लोग बाहर आमंत्रित हैं. सभी लोग जलपान के लिए आमंत्रित हैं. नहीं, पहले मैंने आपके दर्शन किए, पहले आया था जी.